गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमन जायसवाल बहुत 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 स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जामपुर के ऑफिशियल एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे हैं आप सभी लोग। जल्दी से कमेंट करके मुझे सारे लोग बताइए कि कितने लोग, एक तो पहले सब ना लाइक का बटन दबा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे लोग प्रेजेंट है। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू फॉर विशिंग मी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे है, बहुत स्पेशल दिन होता है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आप सब लोग मुझे बता दीजिए कि कैसे हैं आप सभी लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग विश कर रहे हैं टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये बहुत खास दिन है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। आप लोगों को अपने स्कूल की याद आई होगी, मुझे भी वो स्कूल डेज याद आ रहे हैं जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टीचिंग लाइन में और मैंने स्कूल से पढ़ाना शुरू किया था। तो बहुत अमेजिंग जर्नी होती है, मतलब अगर आप टीचिंग को एक जॉब नहीं मानते हो तो इससे बेस्ट प्रोफेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। एनीवेज, तो कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे लोगों का सरदर्द है। प्रीति ठाकुर कह रही है, वी विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू ऑल द वर्क एंड एफर्ट्स यू हैव पुट इन, थैंक यू सो मच। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ के रिवाइज करना जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। चलो खैर, सारी बातें सही है अपनी जगह पर। अब मुझे आप बताओ, आई एम वेरी वेरी वेल नाउ विद्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई इशू नहीं है, थोड़ी बहुत है हेल्थ वो हो जाएगी सही। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा अब मेरी बात का जवाब दो, आप में से कितने लोग हैं जिनका सरदर्द है ये वाला टॉपिक, आप में से कितने लोग हैं जिनका सरदर्द है ये टॉपिक नरेशन। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार बाकी सब हो जाता है, बस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर सोल्यूशन मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। कितने लोगों को नरेशन टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होती है। थैंक यू राहुल, प्रीति, विकास कुमार शाह, राजवंशी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताइए सारे लोग कि कितने लोगों को इस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आसान टॉपिक है, मेरा नहीं, मेरा ठीक है सर। मैं आज एक गारंटी आपको देता हूं कि आज इस टॉपिक को जिस तरह से हम उड़ाएंगे ना, आपने पहले ऐसी कोई क्लास कभी नहीं देखी होगी। और आज से ज्यादा मजेदार, अभी मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, आज से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास कोई और नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। इतने मजेदार तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चुटकियों में करेंगे, पढ़ देखते हैं तरीका क्या है। बस स्ट्रैटेजी मेरी है, आप लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। शुरू करें सारे लोग, एक बार डबल थम्स अप करके मुझे बता दो शुरू किया जाए। जल्दी से बताइए हाँ या ना, शैल वी बिगिन। शुरू किया जाए, ओके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, ये सब अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। वोकैबुलरी भी इस हफ्ते में क्लास हो जाएगी, सिनोनिम एंटोनिम्स की, और अगले हफ्ते से सारा मिक्स्ड टाइप की प्रैक्टिस होगी। स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो सब रेडी हैं। तो जब आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरह से पढ़ाई दिखाया जाता है चीजों को। अच्छा ये कमेंट्स से जो आप लोग करते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा रख लेता हूं यहां पे, जितने भी लेटेस्ट कमेंट्स आते हैं मैं सपोर्ट कर देता हूं यहां पे। तो देखिएगा ये आप लोगों के कमेंट्स हैं, विद्या चौधरी, पूजा यादव, सब लोग बहुत तारीफ करते हो जब आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने आज तक यही देखा है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, कन्वर्जन में हम ऐसे करते हैं। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो V1 का मतलब प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और ये सब करते हैं। और अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना है तो इधर से इधर आ जाएंगे, ऐसे सब आप लोगों ने देखा है ये रूल्स। हाँ या ना बोलो। तो बस बहुत हुआ तमाशा, बंद करो बंद करो, रूल्स की बातें बंद करो, ऐसे करके ध्यान से रखना। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस हम करेंगे और बिना रूल के करेंगे, कोई रूल की बात नहीं होगी। सिंपल सी 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, बस वो करना और देखो क्वेश्चंस चुटकियों में उड़ते हैं कि नहीं। ट्रिक कह लो, टेक्निक कह लो या मेथड कह लो, जो चाहे वो कह लो, लेकिन अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी। जैसे आज तक मैंने आपको किताबी भाषा में नहीं पढ़ाया है, आगे भी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल बात होगी। जिस तरह से हम लोग रोजाना आपस में बातें करते हैं उस तरह से मैं आपको ये सब बताऊंगा। और मेरी गारंटी है, हालांकि स्टेनोग्राफर में तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मेरी गारंटी है 10 में से 10 आएंगे, लेकिन अगर आपका CPO या CGL के मेंस की तैयारी कोई कर रहा है, अभी तो प्रीलिम्स खैर होगा, CGL CPO जिस भी पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, CGL के मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं, CPO के मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो
तो 20 में से 20 की गारंटी मेरी है अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो, अगर आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो। ठीक है, तो बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, रूल्स का नहीं, कुछ बातों का प्रैक्टिकल भाषा में। और वो बातें क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमेशा याद रखना, सेंटेंस जब पढ़ोगे तो दो तीन बातों का आप ध्यान रखोगे। पहला, टेंस क्या है, तो कुछ बातों का आप नोटिस रखोगे, राइट। तो पहली चीज आप देखना कि सेंटेंस का टेंस क्या है। जो भी टेंस है बस एक कदम पीछे जाओगे, रूल्स नहीं बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, हमेशा एक कदम पीछे जाओगे। कहने का मतलब, अगर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वी वन है तो वी टू पे जाओगे, अगर वी टू है तो एक और कदम पीछे जाना है। समझ आ गई बात की नहीं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है तो कमेंट करो, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। तो एक कदम पीछे जाओगे हमेशा, यानी अगर वी वन है तो इनडायरेक्ट में वी टू हो जाएगा, अगर यहां पर वी टू है तो यहां पर वी थ्री आएगा, वी थ्री के साथ में आप हैड लगाते हो। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, बस इतनी दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इधर हैज है या हैव है, हैज या हैव है तो भी एक कदम पीछे जाओगे, यानी इधर हैड हो जाएगा। ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और बात आप ध्यान रखोगे कि टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है। ये सारी बातें आप लोग जानते हो, मैंने लिखा हुआ भी है, समझा दे रहा हूं। नाउ का देन देखोगे, बस ये दो तीन शब्द देखोगे और कुछ नहीं करना है। हेयर का देयर, टुडे का दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक होता है। ये होता तो है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये होता क्यों है, नाउ का देन क्यों होता है, टुडे का दैट डे क्यों होता है? कितने लोगों को ये सवाल है कि ये होता तो है लेकिन होता क्यों है, टुडे का दैट डे क्यों होता है, हेयर का देयर क्यों होता है? अगर ये सवाल है, ये रूल्स एगो का बिफोर हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट होता है, दिस का दैट होता है, राइट right? तो ये होता क्यों है, अगर ये आपका सवाल है, कम का गो हो जाता है, ये क्यों होता है? अगर ये सवाल आपको जानना है, इसका जवाब जानना है, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, चलो तो पहले कुछ सवालों पर अटैक करते हैं, उसके बाद में हम सीधे हर चीज जानेंगे, इन बिटवीन मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, चलो तो क्या काम करना है, पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओगे या क्या करोगे? पूरा सेंटेंस मत पढ़ना, पूरा सेंटेंस बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ ये देखना कि इधर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो देख लेना, बस ये देखना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी है वो किस टेंस में है, कौन सा टेंस नोटिस करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्यों, वाई, क्यों, वाई, अगर जानना है तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके अलावा आप ये देखोगे कि लास्ट में कौन सा शब्द है, टुडे, टुमारो या ये वाले शब्द देख लोगे। ठीक है, और एक दो बातें और है कि यहां पे बोलने वाला कौन है। अच्छा, मैं इसके पहले दो तीन चीजें बताऊंगा, लेकिन हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसका आंसर सारे लोग दो, मैं आपको इसका आंसर दो, मैं आपको फिर अपनी अप्रोच बताऊंगा, मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा, लेकिन पहले इसका आंसर दो। सर ब्राइटनेस ज्यादा करो, थोड़ा कम है, किस चीज की ब्राइटनेस करूं, ठीक तो आ रहा है यार, मैं देख रहा हूं सामने सब ठीक आ रहा है, चका चका एकदम। हेलो दिलखुश, इल्मा, इल्मा कैसे हो, राहुल खुराना, डी 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 डी, आई नो सर वाई इट इज वेरी गुड अनाम, सभी का आंसर आ रहा है डी। तो देखो काम क्या करना है, आपको बस इतना देखना है कि यहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस है वो क्या है। आई एम लिखा है तो आपको पता है एम का एक कदम पीछे जाओगे वॉज होता है। देखो वॉज कहां कहां पर लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट में विल भी लिखा है, ये नहीं होगा, दूसरे स्टेटमेंट में इज गोइंग लिखा है, नहीं होगा, तीसरे स्टेटमेंट में हैड लिखा है, नहीं होगा, एक ही में लिखा है वॉज, बात खत्म। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक दो चीजें नोटिस करनी है, सबसे पहले टेंस, उसके बाद देखेंगे कि लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, नाउ, हियर या देयर। समझ आ रही है बात, पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, आजमा के देख लो, ये 100% सही होगा आपका क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है भाई, मैंने नहीं पढ़ना कि किसने क्या किसको बोला, मुझे नहीं पता, हम सीधे बस ये देखेंगे कि जो अंदर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, उसका टेंस कौन सा है, और बस एक कदम पीछे चले जाना है, बात खत्म। चेक करके देखते हैं क्या लिखा है यहां पर, हैव द चिल्ड्रन, अब हैव लिखा यानी आंसर में क्या आना चाहिए, हैड, तो देखो हैड कहां पर है, चेक करो हैड कहां पर है, यहां पर नहीं है, विल लिखा है, नहीं होगा, हैड यहां पर है, ये नहीं होगा, बात खत्म, आंसर, इतना सा काम करना था। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है,
जल्दी से बताइए सब लोग, क्या इसका सेकेंड आंसर यही होगा या नहीं? द मदर सेड टू द मेड, अब चेक करके देख सकते हो सी होगा या नहीं होगा, जल्दी से आंसर दो। जल्दी से बताओ भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? सर दो जगह हेड आया है, अब उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करके देखेंगे। तो किसने किसको पूछा? मां ने मेड को पूछा कि क्या बच्चे बच्चों ने वो टॉयज रख दिए हैं, देयर टॉयज, ठीक है, पुट अवे। अब देखो ये हैव वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे दो हेड है, क्योंकि देखो अंदर वाली बात क्या है, एक तरह से पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसलिए इसको चेंज करके कर दोगे आप आस्क। अंदर क्या बात हुई है उसके हिसाब से यहां पर आएगा, अगर अंदर रिक्वेस्ट है तो यहां पर रिक्वेस्ट आ जाएगा, अगर अंदर इंक्वायरी है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंक्वायरी है तो यहां पर इंक्वायर्ड आ जाएगा, अगर वहां पर कोई सजेशन है तो यहां सजेशन आ जाएगी, अगर वहां पर ऑर्डर है तो ऑर्डर आ जाएगा। बात समझ में आई? शुभ कश्यप कह रहे हैं कि इतना ईजी थोड़ी ना पूछेगा, ये देखो सी ओ डी में 2020 के पेपर का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में अपने घर से नहीं लाया, सब यहीं पर है सर, यही सब कुछ यहीं पर है, और जो रूल्स के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो रूल्स मैंने शुरुआत में दे दिए हैं, लेकिन उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ नंबर चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देख लो कि माँ ने बेटे को पूछा था, तब पूछा था आस्क द मेड इफ, क्योंकि पूछा है तो आप जानते हो वेदर या इफ आता है, इफ आ गया, द चिल्ड्रन हैड पुट, क्लियर है बात, अवे देयर टॉयज, बात खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला काम आप लोग ये करो, सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके जल्दी से बैठो, फटाक से मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा जब तक ये नहीं होता है। सारे लोग पेपर पे नंबर लिख करके बैठो और चेक करना, खुद पे भरोसा करके मेरी बात पे मान लो, मेरे पे भी भरोसा करो और खुद पे भी भरोसा करो, इतनी सी बात मान लो, नंबर लिखो 70-80 क्वेश्चन है आज के टाइम पे, आज की क्लास में चेक करना 80 में से तुम्हारा, मेरी अप्रोच जो मैं बता रहा हूं मेरी बात को मानने के बाद तुम्हारे कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, बस इतना करना है। बात समझ आ गई? जहां मुझे लगेगा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ इतना है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आपके नंबर बनने चाहिए पेपर में, बात खत्म, क्लियर है? फटाक से लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक, और उसके बाद चेक करो कि कितने सही हुए, पहला और दूसरा ज्यादातर लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, विच बुक आर लिखा है, आर का मतलब पास्ट में जाओ एक कदम, यानी एम नहीं होगा, आई वॉज होगा, वॉज तो होगा, हैड नहीं होगा, सिर्फ एक कदम पीछे जाना है। अब दोनों में से चेक कर लो आंसर क्या होगा। जो लोग मेरी बात मान रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे बताया है कि सर हमने आपकी शुरुआत में बात मानी है, 7-8 दिन के बाद हमें इंप्रूवमेंट दिखा है, कल मैं आपको वो कमेंट्स दिखा दूंगा, ठीक है? तो ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, 10 तरह के टीचर्स के पास जाके कोई कुछ नहीं मिलने वाला, किसी भी एक टीचर की बात मान लो, बस फॉलो कर लो। बात समझ में आई कि नहीं? कितने लोगों को ये समझ में आया कंसेप्ट, सी होगा या डी होगा? देखो आर है मतलब पास्ट में जाओगे कॉन्टिन्यूस में, वॉज या वर आएगा, अब यहां पे एम प्रेजेंट नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, दो चीजें लिखी थी, या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो थर्ड, जब दो ऑप्शंस हट गए तो आपके चांसेस हो गए 50%, सही आंसर होने के चांसेस हो गए 50%। तो विच बुक वॉज टेकिंग होगा या विच बुक आई वॉज टेकिंग होगा, तो बुक के बारे में तो बात हो नहीं रही है, और वैसे भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो इंटरोगेटिव में, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप सॉल्व करते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो यहां पर तो वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट के, करेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस बनता है वो अफर्मेटिव बनता है, और अफर्मेटिव का मतलब सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। ये लो मैंने रूल भी बता दिया और रूल बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में बताया है, ठीक है? चलो चेक करते हैं क्या लिखा है, हैव, आंसर में हैड होना चाहिए, चेक करो कहां पर है, हैड यहां पर है, हैव नहीं होगा, हैड यहां पर है, हैज नहीं होगा, दो ऑप्शंस बचे, फटाक से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। तनु कह रही है मेरे कमेंट पढ़ लो, पढ़ लिया, अब बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? आज से ज्यादा मजेदार क्लास तुम्हारी दूसरी नहीं होगी, कोई वॉइस की कल है, कल वॉइस में भी ऐसे धुआंधार बल्लेबाजी होगी। अरे भैया प्लेलिस्ट अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है? कितने लोगों को ये तरीका समझ में आ रहा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, कितने लोगों को ये तरीका समझ में आ रहा है? जैसे मैथ में ट्रिक्स लगाते हो ना, बस वही काम करना है,
ए होगा या सी होगा, दो ऑप्शंस बचे हैं। अब देखो किसने किसको बोला। अब एक चीज नोट करना, यहां पे जो भी है, यहां पे जो भी है वो किसके हिसाब से बदला जाएगा, कोई यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं। मैं देखो टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं। लड़की ने कहा ये आई किसके लिए आया, उसी लड़की के लिए, तो लड़की के हिसाब से शी हो जाना चाहिए, शी हैड नेवर, बात खत्म। अच्छा हेयर का देयर भी हो जाएगा, तो देयर यहां पर है, देयर यहां पर नहीं है, बात खत्म। पहला इसका राइट आंसर है। मैंने दो ही तीन चीजें चेक करनी है, बात खत्म। दो ही तीन चीजें चेक करनी, एक तो टेंस देख लो, बाकी दूसरा वर्ड देख लो। समझ आ गया तरीका, बस यही अप्लाई करना है, बात खत्म। क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट, वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड, हैड नहीं आएगा, वॉन्टेड वॉन्ट्स नहीं होगा। दो बचे, दो में से बताओ आंसर क्या होगा, खत्म, इतना ही करना है। आई वॉन्टेड, ये आई किसके हिसाब से आएगा, बोलने वाले के हिसाब से, और बॉस का जेंडर नहीं पता तो प्रेफरेंस किसको दोगे, मैस्कुलिन जेंडर को, यानी ही वॉन्टेड होगा, ही वॉन्टेड होगा, दोनों में ही लिखा है, कंफ्यूजन बन गया है। अब बताओ स्पीक टू यू या स्पीक टू हर, तो किससे बात करना चाहता था, अनीता जो कि लड़की है, तो स्पीक टू हर, थर्ड इज द राइट आंसर। बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बताओ जवाब सही हुआ कि नहीं हुआ। बहुत मजेदार क्लास हो रही है यार आज की, मुझे बहुत मजा आता है, बस देखो धाड़ 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 आंसर निकालो, खत्म, पेपर में नंबर मिलना चाहिए बस, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। आस्क्ड लिखा है, इफ द बॉय हैड नॉट, अब हैड के एक कदम पीछे जाओगे तो वी टू, चेक करो वी टू कहां पर है, वर यहां पर है, वर यहां पर है, हैड नहीं होगा, वॉज हो सकता है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अब वरंट यू टोल्ड बी इनडोर्स, ये होगा या ये होगा, जल्दी से बताओ, यहां पर आप लोग आंसर बताएंगे। गार्ड सेड टू द बॉय, वॉज नॉट ही, किसके बारे में बात हो रही है, द गार्ड आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड नॉट, तो यहां पर ही नहीं आएगा, यू आएगा, क्योंकि गार्ड उससे खुद पूछ रहा है, और अगर खुद पूछ रहा है तो ही नहीं आएगा, यू आएगा, लेकिन इंटरोगेटिव है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क में अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो बस यही बचा। दो तीन चीजें चेक करनी थी आपको। अच्छा लेट अस गिव, ये ट्रिक काम करेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप काम करेगी। क्या ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको, जल्दी से बताओ। फर्स्ट होना चाहिए कि नहीं, जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अपने घर से नहीं लाया मैं कुछ भी, ठीक है। कुछ और चेक करके देखते हैं, लिखा क्या है, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट का मतलब, अब यहाँ पे प्लीज लिखा है, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट आना चाहिए, रिक्वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, टोल्ड नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, रिक्वेस्ट यहाँ पर है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट, मतलब पास्ट में जाओ, नॉट टू प्लक हो सकता है, इसके अलावा प्लीज डू नॉट तो दोबारा नहीं आएगा आंसर, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट खत्म। बात समझ आई कि नहीं, फटाक से शेयर कर दो आज जितने ज्यादा लोगों में कर सकते हो, क्योंकि आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आपको एक भी रूल नहीं आता है, कोई बात नहीं, सिर्फ मेरी क्लास देख लो और देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं। सभी का राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो तीन चीजें देखनी है, एक कदम पीछे जाओ, मतलब एक स्टेप पीछे जाओ, प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। श्याम पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने पेपर, कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, स्टेनोग्राफर के पेपर में पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और 10 नंबर के आएंगे वॉइस के, ठीक है। तो अभी मैंने आपको तरीके बताए हैं, चार पांच क्वेश्चन और मैं खुद कराऊंगा, बाकी आप ही आंसर दोगे, क्लियर है। चेक करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, आई हैव बिन, हैव है मतलब आंसर में हैड होना चाहिए, कहां लिखा है हैड, ही स्टडीड, हैड नहीं लिखा है, हैड यहां पर है तो ये आंसर हो सकता है, इसके बाद स्टडीड लिखा है ये आंसर नहीं होगा, हैड बीन लिखा है तो आंसर ये हो सकता है, बताओ दूसरा या चौथा क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, चेक करो क्या होगा, दिस कॉलेज है तो दैट कॉलेज भी होगा, राइट, दैट यहां पर है, दैट यहां पर भी है, अब देखो आंसर क्या होगा, चेक किया जाए इसका राइट आंसर क्या होगा, ही सेड ही हैड बीन स्टडीइंग इन दैट कॉलेज फॉर टू इयर्स, ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडीइंग इन दैट कॉलेज फॉर टू इयर्स, ही सेड ही, दैट आएगा, दैट आएगा, मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर, दैट भी तो चाहिए, बात समझ आ गई कि नहीं,
बात समझ आएगी नहीं? देखो होता क्या है ना, बात समझना, होता क्या है, होता क्या है समझना। अभी जैसे यहां पे चार क्वेश्चंस लिखे, चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं, है ना, चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर गेटिंग, तो आर का हो जाएगा क्योंकि दो लोग हैं तो वर आना चाहिए, कहां पर वर आना चाहिए, और आईएनजी फॉर्म होगा पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो विल भी नहीं होगा, राइट, विल भी नहीं होगा, और वॉज नहीं होगा क्योंकि दो लोग हैं, आर नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट है, तो बस यही बचा, यही आंसर है, खत्म हो गई बात। तो होता क्या है, बात समझना, लॉजिक क्या है, ये अप्रोच क्यों काम करती है, लॉजिक समझना। अभी क्या है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और चार ऑप्शंस हैं, अभी अगर आप टिक लगाओगे तो आपके आंसर करेक्ट होने के चांसेस सिर्फ 25% के हैं। अगर अभी आप कहीं पर भी टिक करोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लॉजिक नहीं पता है, तो आपके आंसर करेक्ट होने के जो चांसेस है वो सिर्फ 25% के हैं। बात समझ आ गई? हाँ या ना बोलो। अब क्या हुआ, अगर आपने इतनी सी बात पकड़ ली कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आंसर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो आपने देखा यहां विल है, ये हट गया, करेक्ट, प्रेजेंट नहीं हो सकता, दो चीजें हट गई। अगर दो ऑप्शंस हट गए तो अब आपके सही आंसर सही होने के जो चांसेस हैं वो हो गए 50%। तो अब तुक्का भी लगा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो पहले तो दो, एक या दो ऑप्शंस पहले डिलीट कर दो, वो ऑप्शंस जो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते। बात समझ आई? उससे क्या होता है, आपके राइट आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर तुक्का तभी लगाना जब दो ऑप्शंस हो, तीन या चार में तुक्का मत लगाना। बात समझ आ गई? फिलहाल कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही हुआ, जल्दी से बताओ। किसकी बात हो रही है, आर गेटिंग लिखा है यानी वहां पर होना चाहिए वर, और आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे विल भी लिखा है। अब दो लोगों की बात हो रही है तो वॉज तो नहीं होगा, ये ग्रामर ही गलत है। वर गेटिंग लिखा है, ये हो सकता है, आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे, तो बस एक ही आंसर बचा है। अब मुझे यही नहीं पता कि किसने किसको क्या बोला, लेकिन मैंने आंसर दे दिया। बात समझ आई? बात समझ आई ना? मुझे ये नहीं पता किसने किसको क्या बोला, बट आंसर दे दिया। कैन यू लिखा है तो आंसर में यू कुड आएगा, देखो चेक करो यू कुड कहां लिखा है, आंसर खत्म, यहां पे नहीं है, नहीं होगा। आई कुड होना चाहिए, अच्छा यहां पे कैन यू कुड नहीं होगा, आई होगा, आई सेड टू माय फ्रेंड, अच्छा एक मिनट रुको, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने अपने दोस्त से पूछा है तो ही कुड होगा, मैंने अपने दोस्त से पूछा है तो ही कुड होगा, पहले तो कुड देख लो कहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पे कुड है और वहां पे कुड है, दो ऑप्शंस में आप फंसे। अब बताओ क्या होगा, अब जब मैं उससे पूछ रहा हूं तो उस वो उठाएगा ना, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ट्रिक नहीं कर पाई आंसर टाइप करना है, क्या था ये कमेंट, ठीक है, मैंने उसको पूछा कि क्या वो उठा सकता है, यानी आई नहीं आएगा, ही आएगा, फोर्थ यहां पे करेक्ट आंसर है, सेकंड नहीं है, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और लॉजिक यही देखना है। तो डिड यू लिखा है तो यहां पर आंसर में हैड आना चाहिए, चेक करो हैड कहां पर है, आई वॉज नहीं होगा, करेक्ट, सिंपल पास्ट नहीं होगा, हैड यहां पर है और यहां पर डिड है, बात ही खत्म हो गई, एक ही चीज देखनी थी आंसर। तो अब मैंने आपको सॉल्व करा दिए क्वेश्चंस, अब मैं नहीं कराऊंगा, अब आप ही आंसर देंगे, अब आप ही आंसर देंगे, समझ आ गई बात, मैंने पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था, अब सिर्फ आपका काम है और इतनी ही तेज चलना है, बस एक ही चीज देखनी है। पहले सब लोग मुझे ये बताओ कि क्या यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई, हाँ या ना, क्या यहां तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं, और क्या क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कि क्या क्वेश्चंस करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हाँ या ना करके बताओ। सिर्फ एक ही बात देखनी थी, डिड लिखा है मतलब हैड होना चाहिए, हैड कहां पर था, यहां पर नहीं था, यहां पर नहीं था, एक ही जगह पर है तो उसको रोक दिया, फिर लास्ट देखा उसमें भी डिड था, तो बस एक ही बचा, वही आंसर खत्म। चांदनी कह रही है नहीं समझ आ रहा सर, देखो अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक्स क्लियर है ना आपको, तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, और यही तरीका आप समझाएंगे, यही तरीके से आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे पेपर में। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, ठीक है, चेक करते हैं, आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। दिस इज लिखा है तो आंसर में दैट होना चाहिए, आंसर में क्या होना चाहिए, दैट, चेक करो दैट कहां पर है, और इसका वॉज होना चाहिए, फटाक से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, दैट वॉज, इज नहीं आएगा,
विल नहीं आएगा. अब वॉज नॉट यहां पर लिखा है, वॉज नॉट यहां पर लिखा है, लेकिन दिस का दैट भी तो होगा, दिस का दिस थोड़ी ना रहेगा, बात खत्म. मुझे नहीं पता कि किसने किसको क्या बोला, मुझे नहीं पता कि क्या बोला, आप उनको कोई मतलब नहीं. समझ आ रही है बात? समझ आ गया सबको ये तरीका? कोई मतलब नहीं क्या लिखा है, किसने किसको क्या बोला, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ आंसर चाहिए. आंसर आएगा राइट तो नंबर मिल जाएंगे टाइट, जॉब मिल जाएगी, बस खत्म बात, खत्म हो गई फाइट. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम लिखा है, वॉज आई एन जी कहां पर है चेक करो. वॉज लूजिंग यहां भी है, वॉज लूजिंग यहां पर ही है, आई एस तो इज नहीं आएगा, दो आंसर पहले ही हट गए. अब बताओ राइट आंसर क्या है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो अगर मजा आ रहा है तो. जल्दी, थैंक यू सुषमा, कहां से हो आप सुषमा अरोड़ा? अरोड़ा से ना मुझे कुछ याद आया, कपिल शर्मा शो में एक कैरेक्टर है डॉक्टर राजेश अरोड़ा, मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है. एक कमेंट आया है, सर आप जैसे आंसर देते हो वैसे तो हमारा आराम से हो जाएगा. देखो ना, है ना, सुषमा अरोड़ा को देख के मुझे राजेश अरोड़ा याद आया, और राजेश अरोड़ा एक कैरेक्टर है कपिल शर्मा शो में, याद है वो पिंक कलर का गाउन पहन के आता है, मुझे उसकी तरह बात करना बहुत अच्छा लगता है. मेरे तुमने जो बात की है मेरा मन कर रहा है, मेरे को तुम बड़े पसंद आए. सही है सभी का आंसर, क्योंकि देखो आई एम कौन लूज कर रहा है, धन्य धन्य उसी की बात हो रही है, तो शी आएगा, दैट शी वॉज लूजिंग वेट स्टेटेडली होगा या थर्ड ऑप्शन होगा. अच्छा यहां पे कंप्लेंट लिखा है तो फिर ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये होगा फोर्थ ऑप्शन, बात समझ आ गई, फोर्थ ऑप्शन होगा. शी वॉज लूजिंग, शी वॉज लूजिंग तो दोनों में ही है. ठीक है चलो नेक्स्ट. तो ध्यान से देखो, आस्क्ड मी, आस्क लिखा है मतलब अंदर क्वेश्चन मार्क कहां पर है, क्वेश्चन मार्क सभी में है. हाउ आई पेड, तो हाउ मच लिखा है तो हाउ मच दोनों ही होने चाहिए, हाउ नहीं होगा, हाउ मच होगा, हाउ मच होगा, पढ़ो और आंसर दो. जल्दी से आंसर दो. आंसर दो. सर आप किस ऐप पर पढ़ाते हो, मुझे आपसे पढ़ना है. राहुल कुमार पूछ रहे हैं मुझे आपसे पढ़ना है, आप किस ऐप पर पढ़ाते हो? मैं एग्जामपुर की जो स्टेनोग्राफर का बैच आया है मैं अभी उसमें क्लासेस ले रहा हूँ. रात को 8 से 10 इंग्लिश की क्लास होती है, रात को 8 से 10 बजे तक, ठीक है, रोज होती है क्लासेस, तो आप यहाँ पर एनरोल करा सकते हो. कोर्स की फीस मात्र 999 रुपए है और अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, बस यहाँ पढ़ लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है तो राइट आंसर चेक करें, She asked me, मुझसे पूछा है ना, तो यहां वाली बात में I तो होना चाहिए, I होना चाहिए, I यहां पर है. How much I paid, how much did you paid, या फिर how much did I paid, तो she asked me, अगर मुझसे पूछा है तो अब हो जाएगा you, यहां पर तो I नहीं आएगा ना, यहां पर होगा you, और you एक ही जगह पर है तो आंसर है fourth, third option, not this one, not that one, बात समझ आ गई. थर्ड इज द राइट आंसर, उसने मुझको पूछा था कि मैंने कितना रुपया पे किया था, तो इसका क्या बनेगा? सर क्वेश्चन के आगे से हट जाया करो. टेक्निकल सरदार जी पूछ रहे हैं, हाँ तीनों सब्जेक्ट के लिए फीस है, तीनों सब्जेक्ट का मतलब जनरल स्टडीज पूरा जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए है, रीजनिंग पूरा आएगा जिसमें योगेंद्र सर क्लासेस ले रहे हैं, जनरल स्टडीज की क्लासेस रोहित सर ले रहे हैं, और मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश, रोज 2 घंटे की क्लास होती है, बहुत मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं. जल्दी से एनरोल करा लो और पढ़ाई शुरू करो, वेट मत करो, पढ़ाई में सोचना नहीं चाहिए, पढ़ाई में अगर खर्चा हो. यू हैव लिखा है तो हैड होगा आंसर में, हैड कहां पर है, यहां पर हैव है, यहां पर है वॉज है, ये है और ये है, दो बचे हैं, चेक कर लो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आप बताओ फटाक से, जल्दी से बताओ. मेरी मां ने बोला तुम सो रहे हो, तो मतलब मुझसे बोला ना, ही थोड़ी ना होगा. थर्ड इज द राइट आंसर, क्लियर है?
जल्दी से बताओ। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? बड़ा सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाओ, एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहां पर आता है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो नाम, ईमेल आईडी, डिटेल पूछेंगे आपकी, मोबाइल नंबर वगैरह, उसको एंटर करके ही जैसे जाओगे पहले पेज पे आपको मिल जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर का एग्जाम का डिटेल। उस पर जाकर के प्रोसेस करना है, दो तीन चीजें करनी है, बस खत्म, काम खत्म। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी सब उसी में इंक्लूड है, हम यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे और ऐप पर तो करेंगे ही करेंगे। आंसर दो, आई एम गोइंग यानी वॉज गोइंग होना चाहिए, वॉज आई एम है तो यहाँ पर वॉज गोइंग होना चाहिए आंसर में। चेक करो वॉज गोइंग कहां पर है, ही वॉज गोइंग, आई एम गोइंग नहीं होगा, ही वॉज गोइंग होगा। हाँ जल्दी से देखो, अच्छा टुमोरो लिखा है तो नेक्स्ट डे कहाँ कहाँ लिखा है, ये नहीं होगा, टुमोरो नहीं होगा। ये तो बड़ा सिंपल आसान तरीके से सॉल्व हो गया, सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर। हाँ या ना बोलो, सेकेंड होगा या राइट नहीं होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। अब अगर किसी को डाउट है, सर बिकॉज क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन कब होगा, श्याम पूछ रहे हैं क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन कब होगा, नेक्स्ट वीक में हम इस हफ्ते में वॉइस की क्लास हो जाएगी, फिर वोकैबुलरी शुरू होगी, अगले हफ्ते में फिर वोकैबुलरी पे थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद अगले 10 दिनों में क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, डोंट वरी। किसी को कंफ्यूजन है कि फर्स्ट में और सेकंड में से सेकंड वाला ही राइट आंसर क्यों है, फर्स्ट क्यों नहीं है, किसी को डाउट है, रूल कॉपी लेकर के बैठे हो कि नहीं, कॉपी लेकर के बैठे तो जरूर हो गए आप लोग, तुरंत लिखो टोल्ड के साथ में टू नहीं आता है, जल्दी से लिखो, टोल्ड के साथ में टू का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए वो गलत हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्या लिखा है, हैव यू, तो यू हैड कहां, यू छोड़ दो, सिर्फ देखो हैड कहां लिखा है, हैड कहां लिखा है, यहां पर है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। योर वर्क, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो शी नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेक्ट है यहां पर, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, नंबर वन। बात समझ आई? टोल्ड टू नहीं होता है, जितना बता रहा हूं उतना लिखते चलो, पेपर से पहले रिवाइज कर लेना और फिर मुझे पेपर के बाद बता देना कि सर हाँ आपने जितना यूट्यूब पर पढ़ाया था उसी से हम पास हो गए, बताओगे क्योंकि हुआ है, बच्चों ने बोला है मुझे, ठीक है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। रीजन क्या है, किसने किसको पूछा है, उसने मुझको पूछा है, तो जब मुझे पूछा है तो अंदर वाली बात में ये जो पर्सन है ये थर्ड के हिसाब से ही आएगा ना, उसने मुझको पूछा कि क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, अभी तक क्या था, खाली आंसर चाहिए, अब उनको खाली आंसर चाहिए, ठीक है। टर्न अराउंड ही टोल्ड हर, ये एक तरह का ऑर्डर है या क्या है, जल्दी से बताओ। टर्न अराउंड लिखा है, ही टोल्ड हर, जल्दी से बताओ इसका आंसर, तो ही टोल्ड हर होगा, सब देखो ऑप्शंस क्या है, टोल्ड, आस्ट, 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 यहां पे बताने वाली बात तो है नहीं, तो टोल्ड तो नहीं होगा, हर, आस्ड टू नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, ही आस्ड किसको पूछा ये नहीं पता है, तो ये भी गलत हो गया, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज। तो तुम लोग अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के टर्म में समझना चाहते हो तो मैं तरीका बता देता हूं, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो, जितना सिंपल रखोगे उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। फिलहाल ये आंसर सभी का सही है, सेकंड वन, यस और नो? सर जी मैं हिंदी मीडियम से हूं और मैंने स्किल टेस्ट के लिए इंग्लिश, इंग्लिश सेलेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज बता दीजिए सर। ये क्वेश्चन पूछा है प्राची ने, प्राची ये डिपेंड, देखो आप क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आज क्या हो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है, आप क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम से मैं भी हूं और मैंने कैट स्टूडेंट्स, कैट के लोगों को पढ़ाई है इंग्लिश, मैंने कैट लेवल पे पढ़ाई है इंग्लिश, और मेरे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट्स आज इंडिया के बाहर भी हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात भी नहीं बोल रहा हूँ, बट हैं, ठीक है। यूएस में मेरे पढ़ाए हुए 3 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कैट और जीमैट जो होता है ना वो पढ़ाया है, बैकग्राउंड मेरा भी हिंदी मीडियम था, तो इट इज ऑल अबाउट कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहां से आए हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहां जाना चाहते हो इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग पे, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है तो आप इंग्लिश में रखो, हिंदी टाइपिंग अच्छी है तो हिंदी में रखो, ठीक है। चलो तो मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ एक बात बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, 3 पर्सन होते हैं कि नहीं, फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी. सेकेंड पर्सन होता है यू या यू. क्लियर है? मैं आप टाइम दूंगा, दिलकुश पूरा टाइम लो, आराम से सॉल्व करो. ठीक है, थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट या फिर दे, है ना. लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे. अब जो मैं बता रहा हूं बस उस बात को ध्यान रखना, ऐसे नहीं पढ़ना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना. तो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, स्पीकर, जो बात कर रहा है. ठीक है, सेकेंड पर्सन होता है द वन हु इज स्पोकन टू, द वन स्पोकन टू मतलब जिससे बात की जाए. ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, किताबी भाषा नहीं है. और ये होता है जिसके बारे में बात की जाए, वन हु इज स्पोकन अबाउट, ऐसे लिख लो, बोलने वाला. यहां पे लिख लो जिससे बात की जाए, ये आप लोग भी लिख लो, जिससे बात की जाए. और ये हुआ जिसके बारे में बात की जाए. तो किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लैंग्वेज, जिसके बारे में बात की जाए. ठीक है, बहुत फास्ट है आज की क्लास, और ये वही लोग रुक पाएंगे यहां पर जो वाकई में थोड़ा बहुत सीरियस है. अब मेरी बात समझना, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं मोदी जी के बारे में. तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, आप हुए सेकंड पर्सन, और मोदी जी हुए थर्ड पर्सन, नरेंद्र मोदी. क्लियर है बात? अब आप भले ही एक हो या एक साथ 100 लोग हो, आप सेकंड ही रहोगे. ठीक है, आप सब लोगों ने मुझसे कुछ पूछा तो आप बन गए फर्स्ट पर्सन, मैं बन गया सेकंड पर्सन. अब मैं अकेला हूं तो यू हूं, मेरे साथ दो चार लोग और अगर आ गए तो वो बन जाएंगे प्लूरल में, लेकिन रहेंगे सेकंड पर्सन में. थर्ड पर्सन कौन? जिसके बारे में आप बात करोगे. ये ध्यान रहेंगी बातें. चलो अब इसी बेसिस पर आप लोग ध्यान रखना कि क्या चल रहा है. पढ़िए क्वेश्चन और उसका आंसर दीजिए आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था. प्लीज हेल्प, यहाँ पे प्लीज है, रिक्वेस्ट है, मतलब यहाँ पे सेड की जगह पर रिक्वेस्ट आ जाएगा. यहाँ पे टोल्ड है, ये आंसर नहीं होगा. रिक्वेस्टेड यहाँ पर लिखा है, हो जाएगा. ये भी हो सकता है टोल्ड नहीं होगा. तो दो ऑप्शंस तो पहले ही हट गए, दो बचे हैं, आंसर दो जल्दी से. और लाइक का बटन दबाते रहो यार, लाइक का बटन दबाते चलो, मुझे बताते चलो कितने लोगों ने अभी पिछले दो चार मिनट में क्लास ज्वाइन की है, जल्दी से मुझे बताओ. अब तुम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, दिल खुश कह रहे हैं इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वाह 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 वाह, कितना बड़ा मजाक है. अगर कंपेयर करो हिंदी के मुकाबले तो इंग्लिश वाकई में इजी है. बी चेक करें, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को बोला, तो दोनों ही थर्ड पर्सन है. सिस्टर को बोला है हेल्प मी, तो ये मी आएगा ही के हिसाब से. तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क. His sister was asked by her brother that she should help. इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जब आसान भाषा में हो सकता है तो चीजों को लेंदी नहीं बनाएंगे. सेकेंड इज द राइट आंसर. कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है. हाँ अनुराग तुम थोड़ा सा लेट हो आज, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, यू कैन. अब कैन का होता है कुड, चेक करो कुड कहां पर है. तो अब ध्यान से देखो, कोड यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है. दो हट गए, दो बचे, आंसर दो. इतनी तेजी से चलना है, इतनी ही तेजी से चलना है. लाइक वाइक का बटन दबाते चलो. सर आई एम श्योर दैट आफ्टर डूइंग योर क्लास यू मे बी सेलेक्टेड और नॉट, बट यू विल गेट अ लॉट टू लर्न. यू मे बी या तुम, मेरे लिए बोल रहे हो या अपने लिए बोल रहे हो? दो ऑप्शन तो फटाक से हटा दिए. एक बार और बता दो सर. राहुल थोड़ा सा रिपीट करके देखना है यार. क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं? लेकिन बेटा अगर सिलेक्शन चाहिए तो इतना तेज चलना ही पड़ेगा, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी खरगोश आपके हिसाब से कछुआ नहीं बन सकते, तो आपको ही कछुए से खरगोश बनना पड़ेगा. लेकिन आजकल के टाइम पे ना कहते हैं कि कछुए और खरगोश की कहानी में कछुआ जीता था, आजकल खरगोश ही जीतता है. जिसमें कछुए जैसी बुद्धिमानी और कछुए और खरगोश जैसी फुर्ती हो वही जीतता है. चलो चेक करें, देखो यू कैन स्टे, किसने किसको बोला? अंजू ने विजया को बोला, तो यहां पे शी आना चाहिए विजया के हिसाब से, विजया, दैट शी कुड स्टे विद देम. अस लिखा है, अस का देम होना चाहिए. और कौन सा ऑप्शन था? विद देम.
whenever she was in Delhi, whenever you नहीं आएगा, she was in Delhi, खत्म, ठीक है ना? कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, मेरा CHSL का गुस्सा आया है इसको देख के, क्या बात है, CHSL में आया है ना ये, इसी साल आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत टाइम लगता है ढूंढने में चीजों को, ठीक है? चलो नेक्स्ट आंसर क्या लिखा है, आई हैव डिसाइडेड, ठीक है, हैड डिसाइडेड कहां पर है, हैड डिसाइडेड यहां पर है, हैव नहीं होगा, इस डिसाइडिंग नहीं होगा, विल डिसाइड, खत्म, और कुछ करना ही नहीं है, नंबर वन ऑप्शन, क्या करूं यार, इतनी तेज करना पड़ेगा आपको, बाकी बाद में देखो किसने किसको क्या बोला, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले बस ये देखो वर्ब क्या है, टेंस क्या है, ये क्वेश्चन, ये कमेंट किसने बोला था, श्याम दीवाना, श्याम कह रहे हैं कि सर ये वाला पिछला वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैंने कमेंट पढ़ा है आप लोगों का अभी अभी, सही आंसर हाँ है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, गलत बात है ये, और आज की क्लास को जितना शेयर कर सकते हो कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना शेयर कर सकते हो कर दो, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, रीजन है, क्योंकि कोई बात नहीं इस्माइली, गलत था आज नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होंगे गलत, ये पक्की बात है, राजू कह रहे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, चलो मैं अब आराम से पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्या करना है, ही हैड, यहां पे हैड लिखा है और ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, राइट, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आओगे तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट मतलब हैव नहीं होगा, नहीं हैव हो सकता है, हैड नहीं आएगा, हैव हो सकता है, हैव हो सकता है, चेक करो और आंसर बताओ, थैंक यू सो मच आजाद, यहाँ पे पास्ट है ना परफेक्ट में हैड है, तो अब जो आंसर डायरेक्ट में बनेगा उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या तो हैज हैव हो, चेक करके बताओ, यस बबीता थोड़ा सा लेट हो आप, थैंक यू प्रेम गुप्ता, मेरा नाम सागर प्रतीक है सर, मैं चुरू राजस्थान से हूँ, SSC CHSL 1 टीयर क्लियर कर चुका हूँ, 18 सितंबर को टीयर 2 है, ऑल द वेरी बेस्ट, चुरू के पास जो सीकर नाम की जगह है वहां मैंने क्लासेस पढ़ाई हुई है श्याम, तो हो सकता है आपके आसपास के कुछ बच्चे मुझे जानते हो, चलो देखा जाए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो देखो किसने किसको बोला, आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप सेंटेंस को समझने, भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स को समझो, गेट के सामने खड़े होकर के, किसके, ताजमहल के गेट के सामने खड़े होकर के राजू ने कहा कि उसने, वो हमेशा से देखना चाहता था ताजमहल, वो हमेशा से ताजमहल देखना चाहता था, तो एक तो बिल्कुल ही हट गया सेकंड ऑप्शन, राजू वंडर्ड, ठीक है, राजू सेड और राजू टोल्ड, तो पहली बात बहुत ध्यान से देखना कि डायरेक्ट में टोल्ड होता है क्या, होता है, हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट में वंडर्ड नहीं होना चाहिए, जनरली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गेट द ताजमहल वी वंडर्ड, राजू वंडर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल, ठीक है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल, और यहां पर देखो He told me that I have always been wanting नहीं होता है, तो एक ऑप्शन और हट गया, अब बचे हैं दो ऑप्शन, फर्स्ट या फिर थर्ड, तो यहाँ पे wondered है और यहाँ पे said लिखा है, बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों में सब कुछ सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम said को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि wondered और ये सब हम इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, डायरेक्ट में नहीं, क्लियर है बात, क्लियर है ये बात, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, यू मे लिखा है तो आंसर में माइट आना चाहिए, चेक करो आंसर में माइट कहां पर है, आई एम नहीं होगा, आई माइट है, ये हो सकता है, आई रिटर्न है, आई माइट है, तो पहला और तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा या चौथे में से आंसर होगा, सिर्फ मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हो ना और प्रैक्टिस उतने क्वेश्चंस की कर रहे हो तो मेरा विश्वास करो आप इतनी इंग्लिश सीख जाओगे कि किसी और को आगे पढ़ा सकते हो, पेपर तो बड़े आराम से निकल जाएगा, सही हुआ पिछला क्वेश्चन या नहीं, दो ऑप्शन में फंसे हो, आंसर बताओ, किसने किसको क्या बोला, मतलब ही नहीं है हमको, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है आंसर राइट क्या है, सत श्री अकाल नव सोना, नवु सोना, आंसर दो, A4, चेक करें किसने किसको क्या बोला, उसने मुझे बोला दैट आई माइट, तो आई माइट यहां भी है, आई माइट यहां भी है, रिटर्न द मनी द कमिंग मंथ,
इन द कमिंग मंथ, तो एक बार देखो, अच्छा द नेक्स्ट वीक लिखा है ना, नेक्स्ट मंथ लिखा है, तो दोनों में क्या फर्क है, रिजेक्टेड होगा या एक्सीडेड होगा? तो रिजेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया इस बात को। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार, फोर्थ हो गया, ये तो करेक्ट आंसर बहुत सिंपल सा था। एक्सीडेड का मतलब एक्सेप्ट करना, उस वो इस बात पे राजी हो गया, वो इस बात पे राजी हो गया मतलब अग्री करना, और रिजेक्ट मतलब मना करना। तो ये तो सेंटेंस का मतलब ही बदल गया, इतना टाइम बिना मतलब लगाया, सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाक से आंसर दे देते। नेक्स्ट, अलास आई हैव, अलास मतलब नेगेटिव, रोना धोना, और आई हैव लिखा है तो सेड नहीं होगा, ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा, लेमेंटेड होगा, या कुछ और होगा, आंसर आप लोग मुझे बताओगे, हो सकता है मैंने आपको गलत बताया हो। बस इतना देख लो, आई हैव की जगह पर आंसर में हैड होना चाहिए, जल्दी से बताओ। अब आप ही लोग सॉल्व करोगे, मैंने तो बस दे दिए क्वेश्चंस, मैंने आपको तरीके बता दिए। दिल खुश कह रहे हैं सर, आई लाइक ऑल ऑफ योर वीडियोस एज इट मेक्स मी बेटर इन इंग्लिश ग्रामर। आई लाइक ऑल ऑफ योर वीडियोस एज इट नहीं होगा, एज दीज और दोज, दे मेक्स, दे मेक। चेक करें, चेक किया जाए, वेरी गुड। अलास कब यूज करते हो, देखो एक्सक्लेमेटरी है, ये यूज करते हो सैडनेस के लिए या गम के लिए, दुख के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हैड तो होना ही चाहिए, हैड यहां भी है, हैज नहीं होगा और हैव नहीं होगा, दो ही ऑप्शंस बच रहे हैं, एक में सैड लिखा है और एक में लेमेंटेड लिखा है, खत्म हो गई बात, आपको पता है आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। वेरी गुड, सेकेंड ही राइट आंसर है, जिन्होंने भी टिक किया है बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। दे वर, अच्छा ये क्या लिखा है, कंप्लेंट, That, यहां पे that लिखा है, मतलब ये इनडायरेक्ट है, और दे वर लिखा है, राइट right? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसमें इज एम आर होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, दे आर ठीक है, दे आर ठीक है, दे आर ठीक है, दे आर सभी में है, ये तो भाई दिक्कत हो गई। अब बताओ, पढ़ो और आंसर दो, पढ़ो और आंसर बताओ। किसी ने कंप्लेंट किया कि दैट दो देर वर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, हालांकि दुबई में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं। अब दो लिखा है मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, बट आना चाहिए नहीं, पर आंसर में बट आना चाहिए, चेक करते हैं। द मेनी शॉपिंग सेंटर्स दैट आर देयर इन दुबई बट दे आर, तो ये नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। देयर वर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई बट दे आर, ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको हम होल्ड कर सकते हैं। देयर हैव बीन नहीं होगा, तो बस खत्म हो गई बात, दो देयर आर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई, दे आर ऑल एक्सपेंसिव। अब बताओ कि क्या होगा, सेकेंड या फोर्थ, फटाक से आंसर दो, सेकेंड या फोर्थ। अच्छा मैं नहीं बता रहा, अब आप ही लोग आंसर दोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब मैं नहीं बता रहा हूं, अब आप ही लोग आंसर दोगे, बताओ सेकेंड होगा या फोर्थ होगा, बस टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। तो यहां पे राइट आंसर बनेगा फोर्थ। सेंटेंस क्या कह रहा था, दो है ना यहां पे, तो दो वहां पर भी आएगा, तो यहां पर भी आएगा, ठीक है। There are many, there were many. बात ही खत्म हो गई, तो चौथा है इसका करेक्ट आंसर, सही है, अच्छा क्वेश्चन था ये। और देख लो, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल। Why can I use it here? Because there is also pronoun explained. क्या है, क्या था तुम्हारा डाउट? ये देख लो, स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप ये देख लो कि सीजीएल में भी आसान से सवाल आते हैं, और स्टेनोग्राफर या 10+2 लेवल में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहे हो तो सिर्फ वही पढ़ोगे, पढ़ना तो सब पढ़ेगा भाई, ठीक है, पढ़ना सब पढ़ेगा। एसएससी का जो अम्ब्रेला है ना, उसमें जितने भी पेपर होते हैं, सीजीएल प्री मेन्स, सीएचएसएल प्री, एमटीएस, सीपीओएसआई प्री मेन्स, या फिर स्टेनोग्राफर प्री मेन्स, सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सबके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाकर के कहीं कुछ होगा। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में तो सीजीएल की तैयारी करने वाले सीडीएस वगैरह के क्वेश्चंस भी लगा डालते हैं, तब जाकर के बात बनती है। कोई डाउट है किसी का यहां तक, चेक करो, व्हाई हैव यू बीन, हैव लिखा है और यस्टरडे लिखा है, तो लास्ट डे कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो एक तो पहले ही हट गया, बाकी आप बताओ। लाइक वाइक का बटन दबाते चलना भाई, जल्दी।
जल्दी सारे लोग आंसर दो। चेक किया जाए, तुम लोग लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। अच्छा, कितने लोगों ने अभी पिछले 5 मिनट में क्लास ज्वाइन की है जरा लिख करके बताओ फटाक से। देखो 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 देखो, किसी ने अपने हस्बैंड को पूछा है, राइट, व्हाई हैव यू बीन अवॉइडिंग, ये मी है तो यहां पर हर आना चाहिए, तो व्हाई ही इज अवॉइडिंग हर, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या बचा है, सेकेंड वाला, ही हैज बीन अवॉइडिंग हर, ये भी हो सकता है। एज टू व्हाई ही हैड नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है। इज नहीं होगा क्योंकि पास्ट में जाएगी ना बात, पास्ट में जाएगी तो इज नहीं होगा। यार देखो ना, पास्ट में जाएगी बात, यहां पे हैव यू लिखा है तो ये तो पक्की बात हो गई कि आंसर में हैड आएगा, तो इज नहीं होगा और हैज बीन भी नहीं होगा, हैड भी नहीं की जगह पर है तो थर्ड हो गया इसका राइट आंसर। तरीका वही है मेरा वाला, तरीका मेरा वाला ही है, आंसर आप दे रहे हो, ये तो वही बात हो गई। सर बोल वो रहे हैं, शब्द मेरे हैं, ऐसे वाला याद आया कुछ, हाँ है ना, ये बात समझ में आई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो फटाक से, क्या लिखा है, दे वुड लिखा है, यानी आंसर में विल होना चाहिए, तो विल यहां पर है, वुड नहीं होगा, प्रेजेंट है नहीं होगा, आर गोइंग नहीं होगा, बस खत्म कहानी, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं, चेक कर लो खुद से, फिर से आंसर बताओ, क्योंकि एक तो ये देखो इनडायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट में अगर वुड लिखा है तो एक कदम पहले आ जाओगे तो क्या विल हो जाएगा, हाँ या ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो एक कदम पहले आ जाओ, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आओगे तो भी एक कदम पहले आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच याशिका, ये आंसर सबका सही था, यस और नो। देखो तो दे वुड लिखा है ना, वुड का मतलब विल होना चाहिए, वुड तो नहीं आएगा, यस और नो। हाँ है ना, बोलो भाई, वी गो प्रेजेंट में नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, एक ही जगह पर है, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, बात बिल्कुल सही है। वी विल गो होम फॉर पोंगल द कमिंग संडे, द कमिंग संडे, है ना, तो That they would, उन्होंने बोला ना कि वो लोग जाएंगे तो दे वुड गो, खत्म हो गई बात, सेकंड है इसका करेक्ट आंसर। फिलहाल जल्दी से मुझे आप लोग सब बताइए, क्या क्या अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, जितना भी तरीका मैंने आपको बताया, काम आ रहा है, कितने क्वेश्चंस में से कितने सही हुए कितने गलत हुए, जरा सब लोग लिख करके बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें से कितने सही और कितने गलत हुए, जल्दी से लिख करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में सारे लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जितने लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन की है पिछले कुछ समय में, 5, 10, 15, 20 मिनट में, आप सारे क्वेश्चंस आप ही लोग करेंगे, मैंने बता दिया जितना बताना था, अब सिर्फ आप लोग करोगे। जिन्होंने भी अभी क्लास ज्वाइन की है उनके लिए मैं बता दूं कि स्टेनोग्राफर का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और आप लोग इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो सिर्फ 999 रुपीज में। ये कूपन कोड जरूर लगा देना, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, और उसके बाद में आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलो 7 बजे तक 2 बजे 24 में से 20 सही, वेरी गुड, 25 में से 22, क्या बात है, मजा आ गया यार, 25 में से 22 समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद, 24 में से 20 सही हो, वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट 80% 90% क्वेश्चन सही आ रहे हैं सिर्फ पहली क्लास में, ठीक है, और बाकी लोग स्कोर बताओ आंसर। तो आई एम नॉट हैप्पी, वॉज होना चाहिए आंसर में, आंसर में वॉज होना चाहिए, चेक करो कहां पर है, ही इज नहीं होगा, ही वॉज, जल्दी से आंसर दो। पच्चीस में से 23, वेरी गुड, 20, 22, 25, बहुत बहुत बढ़िया, 80-90% का स्कोर आ रहा है आपका, देख रहे हो ना आप लोग, कुछ लोग चले गए, उनका भगवान ही मालिक है, जो लास्ट तक रुकेगा लड़ाई में जीतेगा वही। चलो बहुत बढ़िया, सारे सही है, अभिषेक चाटो के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
तो क्या होगा इसका आंसर? अबाउट द बॉब ने बोला कि भाई वो खुश नहीं है, यानी ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट, ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द अनाउंसमेंट. सेज नहीं होगा, कन्फेस्ड हो सकता है या टोल्ड हो सकता है. सेकेंड या फोर्थ में से क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताओ मुझे, जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर. वेरी गुड, कन्फेस्ड. तो थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कोई टोल्ड वाली बात, टोल्ड में और कन्फेस में क्या है, कन्फेस का मतलब अग्री कर रहा है बंदा कि हाँ भाई मैं नहीं खुश हूं, तो बेटर वर्ड है कन्फेस्ड. अगर कन्फेस नहीं होता तो हम टोल्ड मान लेते. ठीक है सर, हमें इस टाइम काम होता है, सेव्ड क्लास देख लेते, कोई इशू नहीं है, देखो बस खाली देखने से मतलब है. नाउ व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक, जब वो बोर होता है तो कुक करता है. तो व्हेन ही कुक्ड वाज बोर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, व्हेन ही इज बोर्ड ही कुक्स, या फिर कुछ और, ही विल कुक तो नहीं होगा. राइट, दो ऑप्शंस हट गए, या तो पहला होगा या तो फोर्थ होगा. आप लोग आंसर दीजिए सारे के सारे लोग, जल्दी 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 जल्दी, क्या बात है. मैंने तो बस उतना काम करना है जितना मैं बता दिया है, आधे ऑप्शंस आपके हटवा दूंगा मैं, डिलीट हो जाएंगे आधे. ए ए ए ए ए, वेरी गुड, जिन्होंने भी फर्स्ट पे टिक किया है बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि पास्ट से पास्ट में जाते हैं यार, पास्ट से प्रेजेंट में थोड़ी ना आएंगे. तो कुक्स प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक कदम पीछे जा सकते हो. करेक्ट, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? डिड यू सी, डिड मतलब आंसर में आएगा हैड, चेक कर लो जी, हैड किधर है? हैज नहीं आएगा, डिड कहीं आएगा, शी सो या शी हैड सीन, दो ही बचे हैं और आपने आंसर दे रखा है यार. इस बार ना आपसे इंग्लिश पढ़कर माइंड से डर हट गया. मेरे साथ ऐसा होता है, एक बच्चा मेरे से मिलके गया, इतना मोटिवेट हो गया, कह रहा है सर आपसे मिलके ना बात करके मेरे पापा का डर मेरे दिमाग से निकल गया. मैंने कहा पागल हो रहा है, पापा का डर नहीं निकलना चाहिए दिमाग से. आंसर दो, इतना मोटिवेट नहीं होते, चीजों का डर होना जरूरी है, डर का होना बहुत जरूरी है. अरे यार इंडिया पाकिस्तान मैच की तो बात ही मत करो. यस वेरी गुड, पाकिस्तान से कल एक चीज सीखी जा सकती है, हार नहीं मानी, लड़ता रहा और लास्ट में जीत गया, जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकाल के ले गया वो. करेक्ट, आंसर देंगे आप लोग? इसमें कोई सवाल ही नहीं है यार. देखो यहां पे क्या लिखा है, डिड लिखा है ना, मतलब हैड आना चाहिए, वहां पर हैड आना चाहिए, तो यहाँ पे शी हैज था हट गया, डिड लिखा है हट गया, ये शी सॉ, सिर्फ वी टू है ये भी हट गया, बस यही आंसर है, बाकी हमें नहीं पता किसने किसको क्या बोला, पढ़ के देख लो भाई. आई आस्क्ड माय डॉटर, मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि कल उसने किसको देखा था, तो आई आस्क्ड माय डॉटर हुम शी हैड सीन, बात ही खत्म हो गई. आंसर क्लियर है सबको? इस बार रिजल्ट आपकी वजह से होगा. नहीं 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 यार, देखो मैं बस पढ़ा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं. आप लोग जो भी लोग मेहनत, तो देखो आपकी है थोड़ी बहुत मेहनत, जैसा ये बेकार वर्ड है, मेहनत जैसा कुछ नहीं होता यार, एंजॉय करो ना जर्नी को, मेहनत जैसा कुछ नहीं होता यार. कुछ लोगों के लिए मेहनत है सुबह उठ के नहाना, वो उनके लिए मेहनत है, कुछ लोगों के लिए मजा है नहाना. सारे चैप्टर्स के ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स कराओगे ना, ऐसे ही करा रहा हूं मैं जहां पर पॉसिबल है. अभिषेक बेटे का कॉन्फिडेंस बढ़ा था इसलिए हार गए अपन. यस, चेक करो, कमेंट कर रहा भाई, एक्सक्लेमेटरी है और शी इज है, तो पास्ट में एक्सक्लेम तो आएगा ही आएगा, सभी में एक्सक्लेम्ड है. अब होगा क्वेश्चन मार्क कहीं पर नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होनी चाहिए. तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज नहीं होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है. हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज नहीं होगा, दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. तो सेकेंड या फोर्थ में से कुछ ना कुछ एक करेक्ट आंसर है, आप लोग मुझे आंसर बताओ. सर लगता है इस बार हाई कट ऑफ जाएगी. क्यों भाई? कट ऑफ देखो पेपर पे डिपेंड करती है, आसान पेपर है कट ऑफ ऊपर जाएगी. आपको पता है मेरा 2014-15 में जब क्वालिफाई हुआ था सीजीएल का एग्जाम, सीपीओ वाला भी, तो उस टाइम कट ऑफ बहुत नीचे जाती थी, 90 नंबर, 100 नंबर, 105 नंबर तक जाती थी कट ऑफ. अंकित लड़का एक है कुछ कह रहा है, मैं पढ़ लूं जरा क्या है.
सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा कंसेप्ट आपकी क्लास मिलेगी, वो तो यार देखो ऐप पे ही होगी पूरे कंसेप्ट वाली, लेकिन जब ऐसे काम चल रहा है तो पूरा क्यों पढ़ना? मुझे एक बात बताओ, जब आपका आंसर राइट आ रहा है ऐसे करके तो पूरा क्यों पढ़ना? चेक क्लियर है? तो बेटी एक्सक्लेम विद जॉय, दैट तो आएगा ना इनडायरेक्ट में, दैट यहां पर है नहीं तो दैट तो होना चाहिए भाई, फोर्थ इज द राइट आंसर, बात समझ आ गई। चेक करो, आई वॉज वॉचिंग, तो एक स्टेप पीछे चले जाओ, शी वॉज नहीं होगा, आई वॉज नहीं होगा, हैड बीन हो सकता है, वॉज नहीं होगा। अरे यार दो ही ऑप्शंस बच रहे हैं, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, जल्दी से आंसर बताओ, थर्ड या फोर्थ? आंसर दे दिया, यू आर द रीजन विच मेक्स अस टू गेट प्रिपेयर्ड, यू आर द रीजन दैट मेक अस, मेक्स नहीं होगा, मेक अस। ओके दिलखुश, यू आर द रीजन दैट मेक अस टू गेट प्रिपेयर्ड, आंसर देंगे सारे लोग? तुम लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हो सेशन को। आई वॉज वॉचिंग टीवी, किसने? स्नेहा ने मुझे बताया, तो टीवी कौन देख रहा था? स्नेहा देख रही थी, यानी शी होगा, आई नहीं होगा, और वैसे भी हैड होना चाहिए था, खत्म हो गई बात। क्या यार, मैं सवाल बाद में देता हूँ, आंसर पहले आ जाता है। चलो मैं नहीं, अरे यार ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मत बोलो, इतनी मुश्किल से तो छुटकारा मिल रहा है, जब सिंपल सी बात समझ आ रही है तो क्यों इतना टेक्निकल करना चीजों को। नेक्स्ट क्या लिखा है? डू नॉट प्रोवोक मी, डू नॉट लिखा है प्रोवोक मी, यानी पास्ट में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, खत्म। ठीक है, किसने किसको बोला है? अच्छा, ही सेड टू हिज एम्प्लॉय कि डू नॉट प्रोवोक मी, तो ये मी बदलेगा उसके ही के हिसाब से, तो मी नहीं आएगा, हिम तो हो सकता है, राइट, हिम हो सकता है, और हिम यहां पर भी है, तीनों में से कहीं पर एक राइट आंसर छुपा हुआ है, आप लोग आंसर दीजिए। आपका जितना भी पीडीएफ है, हाँ रिवीजन करते रहो यार, और कुछ नहीं करना है, मेरे आंसर के हिसाब से भी सवाल बनना चाहिए। थैंक यू सो मच हेमंत, आंसर दो भाई। उसने अपने एम्प्लॉइज को बोला है कि मेरे को ना जबरदस्त ज्यादा बिना मतलब के परेशान नहीं करने का, ऐसा कुछ बोला है, तो ही टोल्ड हिज एम्प्लॉय नॉट टू प्रोवोक मी, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हट गया, राइट। ही रिक्वेस्टेड हिज, क्या कहीं पे प्लीज लिखा है? नहीं लिखा है, तो रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा वो बंदा। अब वो टोल्ड कर रहा है, टेल का मतलब बता रहा है या वार्निंग दे रहा है, आप लोग देख लो जल्दी से आंसर दो, बता रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, आप देख लो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, इन दिस यू बिकम थर्ड पर्सन सो आई यूज्ड विच, अरे जबरदस्ती, कुछ भी कुछ भी। चेक करें, ध्यान से देखो, समझना ये लैंग्वेज, देखो क्या है लैंग्वेज, क्या कह रहा है, समझो भावना को, समझो वो कह क्या रहा है, मुझे बिना मतलब परेशान मत करो, तो एक तरह की चेतावनी है, प्यार वाली बात थोड़ी ना है, टोल थोड़ी ना है, बताने वाली बात थोड़ी ना है, वार्निंग दे रहा है भाई। फोर्थ हो गया राइट आंसर, भावनाएं समझनी पड़ेंगी आप, भावनाएं समझनी पड़ेंगी आपको, है ना। केजीएफ चैप्टर टू देखी आप लोगों ने? केजीएफ चैप्टर टू देखी आप लोगों ने? वो सीन देखा है जब उसका चाचा पूछता है क्या चाहिए रे तेरे को चैप्टर टू में, तो वो कैसे बोलता है, अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था दुनिया। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों के पास है, वाई आर यू, पास्ट में जाओ, आर नहीं आएगा कहीं पर भी, और वाई वॉज शी भी नहीं होगा, शी वॉज, दो में से एक सही होगा, पहला या फोर्थवा कौन सा होगा बताओ। अरे अमेजिंग पिक्चर है यार, स्पॉइलर मत दो, ये कौन है भाई, एंड्री साहू, स्पॉइलर का मतलब ये पिक्चर अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। सर ये क्वेश्चंस एग्जाम आते तो नहीं है भाई, जाके पेपर उठा के देख, सीपीओ के टीयर टू में मिलेगा, 4 अक्टूबर वाले पेपर में, कहेगा तो कल मैं पेपर भी दिखा दूंगा, कल पेपर से सॉल्व करवा दूंगा, अपने घर से थोड़ी ना ला रहा हूं।
कल मैंने डिज्नी हॉटस्टार 3 महीने का फ्री वाला ले लिया सब्सक्रिप्शन, मेरे को दे दे यार पासवर्ड, मेरा कल ही खत्म हुआ है। देखिए आंसर तो दैट तो नहीं होगा ना, दैट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सवाल पूछ रहा है भाई, खत्म हो गई बात, तो एक ही आंसर हो गया चौथा नंबर का। करेक्ट, सही हो गया, आया ना। नेक्स्ट देख लो, ही टोल्ड यू दैट ही वुड, वुड का मतलब आंसर में आएगा विल, चेक करो विल कहां कहां पर है, पहले में तो नहीं है, ये हट गया। ही विल डिस्कस, आई विल डिस्कस, आई विल डिस्कस, तो चेक कर लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट इवनिंग मतलब दिस इवनिंग होना चाहिए, तो दैट इवनिंग नहीं आएगा, टुडे इवनिंग या दिस इवनिंग हो सकता है, दो ऑप्शन बचे, आंसर दो। ये दो तीन चीजें देखनी है, थर्ड या फोर्थ क्या होगा। वो जिस हिसाब से बोलता है ना, उसकी डबिंग भी बहुत अच्छी है, अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। जादूगर देखी है क्या वेब सीरीज? हाँ भाई देखी है, बहुत शौक है इन चीजों का। तुम लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, अगर पसंद आ रहा है तो। आंसर 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 चेक करें क्या होगा। तो ही सेड टू यू, किसने किसको बोला है क्वेश्चन में देख लो, ही टोल्ड यू, जल्दी से देखो किसने किसको बोला है। डी सी आप लोग दे रहे हो आंसर, यहां पे क्या लिखा है, यू लिखा है ना, तो वो थोड़ी ना बदल दोगे, यू तो यू ही रहेगा, ये नहीं होगा, तो थर्ड इज राइट आंसर, क्लियर है, तीसरा होगा यहां पर सही आंसर। सर अगर यही क्वेश्चन सेम आ जाए पेपर में तो जवाब मिल जाएगी, तब नहीं मिलेगी, अगर सेम आ गए ना तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम रट के थोड़ी ना जाओगे, रट के थोड़ी ना जा पाओगे भाई। नेक्स्ट, इज देयर यानी वॉज, देयर इज नहीं होगा, वॉज देयर होगा या नहीं, नहीं होगा, तो थर्ड या सेकेंड दो में से कोई एक राइट आंसर होगा, जल्दी से जवाब दो। आंसर आंसर आंसर, चलो ओके डन अनुराग, थैंक यू सो मच, डील बी होगा, चेक किया जाए। आई सेड टू पोस्टमैन इज देयर अ लेटर फॉर मी, तो ये किसके लिए हो गया, आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा, करेक्ट, तो फॉर मी तो होगा ही होगा भाई, तो आई आस्क द पोस्टमैन वॉज देयर, तो वॉज नहीं आएगा, पहले तो इफ आएगा, क्योंकि आप जानते हो इनडायरेक्ट में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, तो यहां पर करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, सिंपल हो गई बात, खत्म हो गई बात, बहुत बढ़िया। जो लोग एबीसीडी लिख रहे हैं कृपया एबीसीडी ना लिखें, पेपर में ऑप्शन 1 2 3 के फॉर्म में था, इसीलिए यहां पर भी 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 3 लिखो भाई। नेक्स्ट, एक्सक्लेम लिखा है और इट वॉज अ ग्रेट फेस्ट, यानी वाओ 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 वाली फीलिंग होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है, दो ऑप्शन हटा दो, पहले तो बींग नहीं होता, हैज के साथ में बींग नहीं होता, क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना है, ये देखो एक गलती यहां पर दी हुई है, गलती नहीं है आपके लिए हिंट है, क्या क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, या तो ये या तो ये, तो दो ऑप्शन तो हमेशा हट ही जाएंगे, सेकेंड होगा या फोर्थ होगा, इतना हंसने की जरूरत क्या है, किसने किसको बोल दिया भाई, सौम्या किसको बोल रही है, कौन हंस रहा है सौम्या, इतना गुस्सा क्यों, आंसर दीजिए सारे लोग, फोर 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 फोर, चेक करें, तो देखो ही एक्सक्लेम्ड पास्ट में अगर है तो सेज नहीं होगा, यही होगा, बात खत्म, तो जिन्होंने भी फोर्थ को टिक किया है बिल्कुल ही सही जवाब है। Too many cooks spoil the broth. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले फॉर्मेट पे है, जो भी इसका जवाब देगा मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगा। आंसर जल्दी से दो, कूल डाउन नहीं होता है भाई, काम डाउन होता है, कूल डाउन का क्या मतलब है, अपने ऊपर बर्फ डाल दे वो काम डाउन होता है। Most of my answers go correct. Do they go?
चेक करें, देखो टीचर ने कहा टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो पहली बात ये एक तरह का कोट है, ये रूल लिख लेना फटाक से, कोट है या यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है तो वो आप बदल नहीं सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदलते, वो कहावतें ऐसी ही रहेंगी हमेशा अनचेंज्ड, वो कभी भी बदलेंगी नहीं, अनचेंज्ड रहेंगी। यानी कुक्स स्पॉइल जो है प्रेजेंट में ही रहेगा, यहां पर हैड नहीं आ सकता, और कुक्स है तो प्रेजेंट के साथ, कुक्स प्रेजेंट में अगर है तो पास्ट, जो उसकी वर्ब होगी वो प्लूरल होनी चाहिए, मैनी कुक्स स्पॉइल्ड पास्ट नहीं हो सकता। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट, हाउ इट वॉज, तो इट हैड हो जाएगा, राइट, इट हैड, तो हैड है कहीं पे आंसर में, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, तो पास्ट में आओगे मतलब डायरेक्ट में जाओगे तो एकदम पीछे आ जाओ, प्रेजेंट में हो जाएगा, तो वॉज नहीं आएगा। हाउ इज इट दैट यू आर, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, हाउ इट इज ही, हाउ आर यू ऑलवेज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो नहीं होगा, तो या तो सेकेंड या तो फोर्थ, दो में से कोई एक, जल्दी से आंसर दो। हाउ इज दैट, चेक करें, प्रिंसिपल ने कमल को पूछा हाउ इट वॉज दैट, ये ऐसा कैसे है कि वो हर रोज लेट हो रहा है भाई, कि वो हर रोज लेट है, ऐसे कैसे कैसे, हाउ आर यू ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, या फिर प्रिंसिपल सेड टू कमल हाउ इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ, वेरी गुड, जिन्होंने भी फोर्थ पे टिक किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसा कैसे है कि वो हमेशा लेट हो रहा है, यहाँ पे दैट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, एक बात समझना, दैट को हटा करके वो कॉमन नोटेड कॉमा तो आएगा ही आएगा, हाउ आर यू या हाउ यू आर, दैट यू आर, समझना, हाउ इज इट दैट यू आर, क्योंकि यहाँ पे दैट आ चुका है ना डायरेक्ट इसके इन्वर्टेड इन्वर्जन में, ध्यान से देखो, देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ने कमल से पूछा कि ऐसा कैसे है दैट ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, तो ये स्ट्रक्चर हमें पूरा ही चाहिए। सेकेंड कह रहा था प्रिंसिपल सेड टू कमल हाउ आर यू ऑलवेज लेट, तो यहाँ का स्ट्रक्चर यहाँ पे हाउ इट वॉज था, हमें ये भी चाहिए, और हाउ इट वॉज मतलब यहाँ पर होना चाहिए हाउ इज इट, हाउ इज इट, तो ये स्ट्रक्चर हमको चाहिए ही था, वो फोर्थ में है, बात ही खत्म हो गई, इसके बाद कुछ और करना ही नहीं था, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, हर तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे कुड, यानी कि क्या कैन लिखा है कहीं पे आंसर में, कैन, विल यू, कुड यू, नहीं होगा, अरे यार बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था ये तो, वन या टू, आंसर दो, तुम लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत कम लोग हैं इस समय पर, आई फील बैड फॉर दिस, कितनी भी मेहनत कर लो आप लोग अपने तरीके से चलते हो। आंसर दो, टू 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 टू, बस खत्म हो गई बात, कुछ और करना ही नहीं था, रीजन यहां पे लिखा है कुड, यानी कि क्वेश्चन में होना चाहिए कैन, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म है तो डायरेक्ट में कैन आना चाहिए, कैन तो सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे आर यू लिखा है, विल यू लिखा है, कुड यू होगा नहीं, तो बस बात खत्म, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अब हमने आंसर भी राइट दे दिया और हमें ये भी नहीं पता कि किसने किसको क्या बोला, हमें क्या मतलब भाई, बोल रहा हो कोई भी, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, टुमारो इज, तो वॉज और दैट डे देख लो भाई कहां पर है, जल्दी से, दैट डे या नेक्स्ट डे होगा कहीं पर, टुमारो नहीं होगा, इज नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सेकंड या फर्स्ट, अब आप बताएंगे। सानिया ने बोला है, तो मैंने तो सानिया को बोला नहीं है, आंसर खत्म हो गई बात, इतना सा था, दिल कुछ कह रहे हैं, यू लुक हैंडसमर टुडे, योर अंग्रेजी इज डेड, आंसर जल्दी से, ए ए ए ए ए, वेरी गुड, देखो सानिया ने मुझे बोला है ना, सानिया ने मुझे बोला है मी, तो यहां पर आई होना चाहिए कि नहीं, या मी ही रहेगा यहां पर, मैंने थोड़ी ना कुछ बोला है, काम को करने वाला कौन है, सानिया है, तो सानिया टोल्ड मी दैट द नेक्स्ट डे वॉज हर कॉन्वोकेशन,
ये माई किसके हिसाब से होगा? सानिया के हिसाब से, क्योंकि बोलने वाली तो सानिया है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ है जल्दी से बताओ। अरे तुम लोगों की बैटरिया क्यों डाउन हो गई है भाई? ये वाला डायलॉग है ना पीके मूवी में है ना, जब वो मंदिर में जाता है कहता है कि भगवान आपका घरे पहुंचाए दो, आपका घरे जाना है, हमारा रिमोटवा दे दो, ऐसे करके कुछ बोलता है ना। तो चेक करता है मूर्ति काम नहीं हो, पहले एक बार मांगता है कि हमको बहुत भूखे लगी, हमको कुछ खाना दे दो, ऐसे करके बोलता है ना। तो उसको समोसा मिल जाता है तुरंत, तो कहता कितना खुश होता है, अरे ये तो काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट विश्व मांगता है हमको हमारा रिमोटवा दे दो, हमको घरे जाना है। तो वो नहीं जा पाता है, रिमोट नहीं मिलता है, तो वो जाता है दुकान वाले के पास, पूछता है कहता है ये काम नहीं कर रहा है कुछ भी, बैटरिया डाउन हो गई है का। अच्छी मूवी थी वो। नेक्स्ट, तो मदर ने क्या किया भाई? ऑर्डर दिया है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला कुछ होना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइप कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ऑर्डर में रिक्वेस्ट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। अननोन एस्पिरेंट, आपका नाम क्या है? गुड इवनिंग दीपिका। आंसर दो। तनु कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, विनोद की एनर्जी डाउन हो गई है। लाइक वाइक करते रहना अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, चेक किया जाए। डोंट प्ले देन, यहां पर देन है मतलब क्वेश्चन में नाउ होना चाहिए, एक ही जगह पर लिखा है, बात ही हो गई खत्म, कहां दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। देन थोड़ी ना होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट चाहिए, तो देन का नाउ होता है, नाउ का देन होता है, बात ही खत्म हो गई, सेकंड इज राइट आंसर, कुछ और करना ही नहीं था। व्हाट कैन आई डू, कुड 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 कुड, कहाँ है कुड कुड कुड, कैन नहीं होगा, व्हाट कुड आई नहीं होगा, या तो ही कुड या तो आई कुड, अब देख लो किसने किसको बोला है आंसर। जो लोग लास्ट तक क्लास देख रहे हैं ना उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि आखिरी तक जो टिकता है वो भले ही कितना कमजोर हो जीतता तो है। जीतता वो नहीं जो शुरू में तेज दौड़ ले, जीतता वो है, मैराथन रेस होती है ना, एक होती है स्प्रिंट रेस जिसमें पूरा दम लगाना पड़ता है, एक होती है मैराथन। तो स्प्रिंट में तो पूरी एनर्जी एक साथ दिखानी पड़ती, दौड़ लो पूरा, पूरा दम लगा दो, है ना, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर। मैराथन में अगर जो पूरा दम लगा के दौड़ता है वो कभी नहीं जीतता। मैराथन में चलने से शुरुआत होती है, फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ाते हैं। प्रीति कह रही है सर आप ही आंसर कर रहे हैं, मैं क्या करूं? कहां मैंने आंसर दिया भाई, मैंने बस हिंट दिए, मैं तो हिंट दे रहा हूं। सर केजीएफ 2 दिखा दो। हाँ इसे भी चलाते हैं अभी थोड़ी देर में, ये खत्म हो जाए फिर चलाएंगे। तो ही सेड टू मी, अब ये देखो अंदर पूछने वाली बात है तो आस्क आएगा, यहां पर भी है यहां पर भी। ही ने उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, वॉट आई कुड डू फॉर हिम या वॉट ही कुड डू, तो करने के लिए किसको पूछा, मेरे को पूछा है ना, तो आई होगा यहां पर, ही नहीं होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है बात, हाँ या ना। नेक्स्ट, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही लोग आंसर देंगे, अब आप ही लोग आंसर देंगे। कितने क्वेश्चन हो गए अभी? 67, अभी लगभग 20 क्वेश्चन और हैं। सिलेक्शन तो आप ही पर डिपेंड करता है, बस हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेज लिखा है, मतलब इधर सेड नहीं आएगा, सेड नहीं आएगा, दो तो हटाई दो पहले। सम गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, चेक करके बताओ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट टेंस में ये वाला शब्द जो है दिख रहा आपको, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर सेज है तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना। इस बेसिस पर दो तो हट गए पहले ही, अब या तो ये होगा या तो फोर्थ होगा। तो अब देखो सम गुड्स आर लिखा है तो आर नहीं होगा, वर्ब होगा, फोर्थ हो गया राइट आंसर, खत्म, ठीक है, क्लियर, यस और नो, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेड दैट दोज बटरफ्लाइज, दोज का हो जाएगा दीज, चेक करो दीज कहां पर है, दीज यहां पर है, दोज नहीं होगा, आर दोज नहीं होगा, मैंने आपको हिंट दे दिए सिर्फ कुछ चीजों को देख करके। वर वेरी कलरफुल,
और ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है। मेरा अगला बार रिजल्ट हुआ था सर पर स्टेनो नहीं सीखे थे इसलिए नहीं हो पा। कोई दिक्कत नहीं है यार, ट्राई करते रहो लाइफ में, ठीक है, ट्राई करते रहो। चेक करें इसमें। तो लिटिल गर्ल सेज, और यहां लिखा है सेड, सेड का सेज तो नहीं होता है भाई, तो बस एक ही ऑप्शन बचा खत्म, फर्स्ट। क्लियर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, आस्क्ड मी इफ शी कुड, मतलब आंसर में कैन देखो, कुड ये हटा दो, आंसर एक हटा दिया मैंने, जल्दी से आंसर देंगे सारे लोग। आस्क्ड है ना, यहां पे आस्क लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क यहां पर नहीं है, वो नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हट गए, अब दो ही बचे हैं, या तो ये या तो ये। अच्छा जी, अननोन स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैंने आज बैच परचेज कर लिया, वेरी गुड, एनरोलमेंट करा लिया, वेरी गुड। पूरा नाम बताना अननोन स्टूडेंट, अपना पूरा नाम बताओ। तो फर्स्ट हो गया फुट, मेट सेड टू मी राइट, कैन शी गेट मी अ ग्लास ऑफ जूस, तो मेड ये पूछेगी, जल्दी से आंसर दो, उसने पूछा है ना, तो काम करने के लिए मैं हूं, वो थोड़ी ना है, फोर्थ हो गया इसका राइट आंसर, थोड़ा लॉजिक ही लगा लो कहीं पे, वेरी गुड, फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट, यहां पे देखो, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लॉडेड है यानी एक्सक्लेमेटरी है, और हैड बीन है, मतलब डायरेक्ट में जाओगे तो एक तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक्सक्लेमेशन कहां पर है, और हैड की जगह पर वहां पर फिर वहां पर पास्ट फॉर्म होनी चाहिए या हैज हैव होना चाहिए, हैड तो नहीं होगा, ओह तो नहीं आता, वेल डन हो सकता है, वेल डन हो सकता है, ब्रावो हो सकता है, एक तो ऑप्शन ही हट गया। अब दूसरा देख लो, हैज बीन हो सकता है, हैज बीइंग होता ही नहीं है, ये तो ग्रामेटिकली गलत है, तो या तो ये बचा या तो ये, दो या चार, एक में से एक होगा, बताओ आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लग रहा है डिफिकल्ट, डी और सेकंड, सेकंड और फोर्थ आंसर दो। लाइक वाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग ना, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो। सौम्या कह रही है यू आर वेरी स्पेशल एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू फ्लोट विद लॉट्स ऑफ स्माइल्स ऑन योर लवली फेस, हैप्पी बर्थडे प्रीति भगत, वाओ यू स्पीक सो मच गुड इंग्लिश आई शुड से। सेकंड सेकंड सेकंड, देखे ध्यान से, ये देखो सेंटेंस लास्ट वाला क्या कह रहा है, सेड टू द सेल्समैन ब्रावो हाउ एक्सेप्शनल हिज परफॉर्मेंस इज, किसके परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, पहली बात सेल्समैन को बोल रहा है तो उसका परफॉर्मेंस होगा ना, ये सेल्समैन के हिसाब से आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे इज लिखा है जबकि इज चाहिए ही नहीं, हैज या हैव चाहिए था, सेकंड में ही है, बात ही खत्म हो गई। तो जहां लेंथी देखो, सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 के पेपर में, तो हर क्वेश्चन का अपना एक लेवल है, एक वैरायटी है, आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लेना। शी टोल्ड मी दैट शी हैड गिवन, शी हैड मतलब आंसर में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, आई गेव शी गेव, ठीक है भाई, सभी से सेम है, अब तो दिक्कत हो गई। अब देखो किसने किसको क्या बोला है, आप ही लोग इसका आंसर दो, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। चेक करें, देखो ध्यान से, शी टोल्ड मी उसने पूछा, दैट उसने नहीं, शी टोल्ड मी उसने बताया, दैट शी हैड गिवन राइट माय मैसेज टू माय मदर, ठीक है, तो उसने मुझे बताया है, शी सेड टू मी दैट आई गेव माय मैसेज, तो यहां पे माय नहीं होगा, योर होना चाहिए पहली बात, तो ये माय हट जाएगा, योर यहां पर है और योर यहां पर भी है, इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आई गेव योर मैसेज टू योर मदर ही होगा, उसकी मां की बात ही नहीं हो रही है, तो थर्ड इज द राइट आंसर, बात ही खत्म हो गई, करेक्ट, क्लियर है, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली सी, एब्सोल्युटली, व्हाट अ पिटी यू मिस द पार्टी,
वॉट अ पिटी, वॉट अ पिटी लिखा है, एक्सक्लेम तो आएगा ही आएगा सभी में, टोल्ड नहीं आएगा, ये हट गया पहले ही। अब तीन ऑप्शंस बचे हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए, वन टू या थ्री के में से क्या होगा। दैट इट वॉज अ पिटी यू मिस्ड, जल्दी से बताओ। तो मिस करने वाला कौन है पार्टी को? अच्छा यहां मिस्ड लिखा है तो आंसर में हैड आना चाहिए, आंसर में हैड आना चाहिए, पहले स्टेटमेंट में हैड कहीं पर भी नहीं है। यू मिस्ड यहां पर भी हैड नहीं है, तो बस एक ही जगह पे है, थर्ड इज द राइट आंसर, बाकी खत्म हो गई। क्लियर है? थर्ड इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, मजा ही आ गया यार आज तो। He said Manan came to college yesterday. Yesterday मतलब last day, previous day यहाँ पर है, yesterday नहीं होगा, previous day यहाँ पर है, yesterday नहीं होगा, दो तो ऐसे ही हट गए। अब बताओ second होगा या fourth होगा? काम को पहले आसान बना लो, काम को पहले आसान बना लो, आधा काम खत्म कर लो। आप ही लोग कर रहे हो यार, मैं तो खाली हिंट दे रहा हूं। चलो अब आप ही लोग करो, आधा घंटा बचा है, सिर्फ आप लोग करेंगे, 20 मिनट बचे हैं, सिर्फ आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा कुछ। 3333 चेक कर लें। मनन केम टू कॉलेज यस्टरडे, अब या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। ही सेड दैट मनोज मनन केम, अच्छा यहां पे केम लिखा है, यानी आंसर में हैड आना चाहिए, हैड कहां पर है? यहां पर तो है नहीं, तो थर्ड ही हो गया राइट आंसर इसका, करेक्ट, थर्ड इज राइट आंसर सी। क्लियर? चलो अब आप ही लोग दो आंसर, मैं नहीं दे रहा कुछ भी। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और चैनल का नाम है एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, ठीक है। हेलो प्रतिमा, कहां से हो आप? आपने उस दिन भी नहीं बताया था। क्वेश्चन पढ़ो, आई हैड लिखा है, यानी आंसर में वी टू होना चाहिए, वी टू या फिर हैज हैव भी हो सकता है, या तो V2 होगा या फिर has have होगा, चेक कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, R नहीं होगा। लाइक वाइक नहीं कर रहे हो ना, देख लूंगा मैं तुम लोगों को, सबका बदला लेगा भाई जाली। टू 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 टू, देखो शी एक्सक्लेम दैट आई हैड ग्रोन वेरी टॉल, तो अब देखना शी सेड टू मी हाउ टॉल आई हैव ग्रोन, हो सकता है। अच्छा सेड टू मी हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, ठीक है भाई ये भी हो सकता है। शी सेड टू मी यू हैव ग्रोन वेरी टॉल, अच्छा एक्सक्लेम्ड अगर है तो आपको पता है वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से, जबकि यहां पर तो ये नहीं आ रहा, स्ट्रक्चर गलत है, करेक्ट। तो अब देखो फर्स्ट या सेकेंड, तो कौन ग्रो कौन हुआ है, उसने मुझे जब बोला तो वो क्या बोलेगी, वो बड़ी हुई है या मैं बड़ा हुआ हूं, तो मेरे लिए तो यू आएगा, दैट मींस सेकंड इज द राइट आंसर, नॉट द फर्स्ट वन। वो थोड़ी ना हुई है बड़ी, वो अपने लिए थोड़ी ना बात करेगी। ये आई किसके हिसाब से आएगा, शी के हिसाब से? नहीं, ये आएगा मी के हिसाब से, यू हो जाएगा। क्लियर है किसने किसको बोला ये देख लेना, बस खाली बात खत्म हो जाएगी। सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यहां पे ही हैड लिखा हुआ है तो वहां पर आप देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। There are two comparatives of handsome. First one is handsome and the other one is handsomer. I knew it when I searched it in Collins dictionary. Then how can I my sentence be wrong? Handsomer American English में use करते हैं, but हम British को follow करते हैं, और handsomer जो word होता है ना वो casual use करते हैं, formal language में नहीं use करते। तो कभी किसी की तारीफ अगर कर रहे हो तो beautifuler मत करना, गलत नहीं है, but logic ये है कि जो सुनने में अच्छा लगे उसके हिसाब से चलते हैं। तो अब जब हैंडसमर कहते हो या ब्यूटीफुलर कहते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, यूफनी नहीं है, इसलिए वहां पे मोर लगा देते हैं, ठीक है। तो हम फॉलो उसी को करेंगे जो सही है, और एग्जाम एसएससी पेपर अगर आप क्वेश्चन लिखोगे हैंडसमर तो गलत कर देगा, मोर हैंडसम ही होगा वहां पे। अच्छा हाँ प्रतिमा तुम जौनपुर से हो, जौनपुर वाली बात पे मैंने कुछ बताया भी था, मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम था जौना खान, और राहुल ने इस बात पे कमेंट भी किया था, है ना राहुल, याद है मेरे को सब। तो देखो यू सेड टू हिम, किसने आंसर किया, ही टोल्ड यू दैट ही हैड नॉट नोन, इट वॉज योर बर्थडे, करेक्ट। डू नॉट तो नहीं आएगा, डिड होना चाहिए, यहां पर है डिड भी होना चाहिए, डू नॉट नहीं होगा। तो ही सेड टू यू
अब उसने तुमको बोला है तो यू ही होगा ना, यहां पर तो आई नहीं आएगा, तो यही हो जाएगा यू डिड नॉट यू दैट ही। तो हाँ यहां पे सेकंड होगा या थर्ड होगा, आप लोगों का आंसर क्या है यहां पे, सेकंड या थर्ड? सी होगा, वेरी गुड। ध्यान से देखो क्यों, रीजन क्या है, तुमने उसको बोला, तुमने उसको बोला ना, क्या बोला, ही हैड नॉट नोन दैट इट वॉज योर बर्थडे, कि उसको पता ही नहीं था, तो ही सेड टू यू दैट आई डिड नॉट नो दैट इट इज योर बर्थडे, यू डिड नॉट नो दैट इट इज इट वॉज माई बर्थडे। यार ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? He told you that he had not known. क्या होना चाहिए आंसर? हाँ सी होना चाहिए। ज्यादा हो गए क्या क्वेश्चंस? वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शी वॉन्टेड लिखा है तो प्रेजेंट फॉर्म चेक कर लो कहां पर है, प्रेजेंट फॉर्म, बस खत्म। जल्दी से आंसर दो। अननोन एस्पिरेंट कह रहे हैं सर मेरा नाम मनोज है, मनोज पूरा बताओ क्या है। हाँ सी था, उसका आंसर सी था। सर ऊपर क्वेश्चन में माय होना था, यही मिस्टेक है, हाँ उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। एनीवेज तरीका तो आप लोगों को पता ही चल गया है, मनोज सोलंकी, वेरी गुड, 1-1-1-1-1। तो शी वॉन्टेड टू सी, आई वॉन्ट टू सी हो सकता है, लेट हर, लेट की तो कोई जरूरत ही नहीं है यार, और वॉन्टेड नहीं होगा। आई वॉन्ट टू डू अ बैक फ्लिप इफ आई कैन, आई वॉन्ट टू सी, यहाँ पे सी लिखा है तो सी भी तो होना चाहिए। फर्स्ट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, फर्स्ट फर्स्ट नॉट ए, फर्स्ट इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। ठीक है भाई लोग, फर्स्ट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, आई थिंक सभी लोग इस बात से अग्री होंगे। प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन द क्लास, आई एम लेट, सेड रीमा टू हर फ्रेंड, रीमा ने कहा, तो यहां पर तो आई की जगह सी होना चाहिए, शी और एम है तो पास्ट में वी टू होगा, हैड हैड नहीं आएगा कुछ भी, करेक्ट। रीमा टोल्ड टू हर फ्रेंड वेट फॉर हर, नहीं ये सेंटेंस गलत है, रीमा टोल्ड हर फ्रेंड टू वेट, हो सकता है टू वेट फॉर हर एट, फॉर मी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हर की बात हो रही है, तो या तो थर्ड होगा या फर्स्ट होगा, एट द कॉफी शॉप इन केस शी वॉज लेट। अच्छा इन केस आई एम लेट, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर सबने दे दिया है मेरे ख्याल से, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। यार ये 105 लोग हैं, ये गलत बात है, जल्दी से बढ़ाओ, शेयर करो तुरंत सब लोग, कम से कम 150 लोग चाहिए मेरे को। यस, जिन्होंने भी फर्स्ट को टिक किया है बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट नंबर, ठीक है, सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है। द लिटिल गर्ल सेड दिस बाइसाइकल, दिस का कर दो फटाक से दैट, और किसने क्या कहा है, उस छोटी बच्ची ने कहा है माइन, ये बच्ची के हिसाब से बदल के हर हो जाएगा या फिर हर्स हो जाएगा, अब देख लो आप कहां पे क्या है, माइन नहीं होगा, इज नहीं होगा, अब बाकी आप बता दो। जल्दी से आंसर दें सारे लोग, वन डी वन डी वन डी क्या होना चाहिए, लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। यार क्लास खत्म होने से पहले कम से कम 250 लाइक्स तो पहुंचा ही दो। तो कौन से ऑप्शंस बचे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, तो ध्यान से देखो, लिटिल गर्ल सेड दैट बाइसिकल वॉज हर्स, तो हर नहीं आएगा, हर्स आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर माइन लिखा है, यहां पर प्रोनाउन है, और इसीलिए यहां पर भी प्रोनाउन ही चाहिए, हर होता है एडजेक्टिव, अगर आप हर लिखते हो तो इसके बाद में कोई ना कोई नाउन चाहिए हमको, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत था, ओनली फोर्थ इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कमाल करते हो, ठीक है, वेरी गुड।
सर इतनी अच्छी क्लास में जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे, विनोद से पूछो, समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई लोग। फादर आस्क्ड इफ देयर वाज, तो प्रेजेंट में देखो आंसर इज कहां पे है, इज एम आर, वाज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, वन या थ्री, फटाक से आंसर देंगे आप लोग, फटाक से फुर। टू फिफ्टी लाइक्स चाहिए भाई क्लास खत्म होने से पहले। ओके सौर, सौर नहीं होता है, ऐसा ही आर होता है, सार सार। मैं बैंगलोर में था ना तो वहां पे ऐसे होते हैं। सर मेरे को पूछना था आपसे क्वेश्चन, एक आंसर चाहिए था, वो टाइम कब मिलेगा आपसे, ये ले। ना वो सोना मुंडा। देखिए भाई तो फर्स्ट या थर्ड, आस्ट हर, हर होगा, हर है। इज देर एनीथिंग एल्स, शी हैड विश्ड, शी विश्ड है, तो फिर प्रेजेंट होगा, पास्ट नहीं होगा, थर्ड होगा राइट आंसर। सिंपल, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तरीका पता चल गया, इसलिए आप लोगों के सारे आंसर एकदम सही हो रहे हैं। ही हैड बिन, यानी कि आप जाओगे तो वॉज, इज एम आर नहीं होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है ही वर, लेकिन ही के साथ में वर थोड़ी ना आता है, गलत हो गया। एम नहीं होगा, आई वॉक्ड होगा या आई वॉज वॉकिंग होगा, बड़ा सिंपल सा था, या तो थ्री या तो फोर्थ, ठीक है, या तो थ्री या तो फोर्थ, दोनों में से क्या होगा। प्रीति ठाकुर कह रही सर लेसन, क्या क्या लेसनों में क्या लिखा है प्रीति ने, क्या दिक्कत है इनके पेट में। कंजंक्शन वाली दैट नहीं थी, मतलब कहां पे नहीं थी, किस क्वेश्चन में। अननोन एस्पिरेंट कह रहे हैं 8 बजे वाली क्लास में क्या होगा, आज हम एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे, एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है, एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आई वॉक्ड डाउन नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखा हुआ है, तो फोर्थ होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है सभी का, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट, माइट लिखा है तो आंसर में मे चेक करो कहां पर है, मे, माइट का मे, माइट नहीं होगा, मे हो सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है। देखो जल्दी से बताओ, योर मदर मे रिकवर सून, तो ये तरीका गलत होता है पहली बात तो। एक्सक्लेमेटरी जब होती है बात, बाइसाइकिल वाली में क्या प्रॉब्लम था, एक मिनट रुको, क्या कुछ डाउट है क्या तुम लोगों को। द लिटिल गर्ल सेड दिस बाइसाइकिल इज माइन, ठीक है, दैट बाइसाइकिल वॉज हर, सेड दैट बाइसाइकिल वॉज हर्स। हाँ, राइट, यहाँ पे एक दैट मिसिंग था, सॉरी ध्यान नहीं दिया, कंजंक्शन वो एक मिसिंग था, तो वो टाइपो एरर था, टाइपो था, ठीक है, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ बहुत अच्छी बात है कि तुमने इस चीज को नोटिस किया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट होगा या नहीं, मे योर मदर, ठीक है, क्लियर है सर। चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की इंग्लिश करवा देना प्लीज, इतना चल रहा है ना, काफी है। हाँ राहुल उसमें दो आएंगे, ठीक है, 250 लाइक चाहिए थे यार, तुम लोग दिल तोड़ देता सी। ही वेलकम्ड मी एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मतलब चेक करो प्लीज है कहीं पे, प्लीज प्लीज दो जगहों पर है, ये भी है, तो एक तो हट गया, प्लीज चाहिए हमको। बी वेलकम प्लीज सिट, वेलकम प्लीज टू बी सीटेड, ये नहीं होता है, वेलकम प्लीज बी सीटेड, बी वेलकम प्लीज सिट, जल्दी से बताओ सेकेंड या फोर्थ, सेकेंड या फोर्थ। आज की क्लास का स्टेटस सारे लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे जरूर लगा देना, मैं चेक करूंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के नंबर है मेरे पास। वोकैबलरी कल से नहीं, अभी इस हफ्ते में शुरू हो जाएगी वोकैबलरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चेक करें। वेलकम प्लीज बी सीटेड, वेलकम प्लीज टू बी सीटेड तो नहीं होता है, सेकंड है इसका राइट आंसर। कितने लोगों का करेक्ट हो गया,
वेलकम, प्लीज बी सीटेड, ये होता है, टू बी नहीं होता है, है ना। द टीचर सेड टू अनु, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई, कौन डिसअपॉइंट होगा भाई? टीचर। अब टीचर के हिसाब से ही या शी होना चाहिए। अब हमें उसका जेंडर तो पता नहीं है। वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कहां लिखा है, जल्दी से चेक करो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, शी वॉज वेरी हो सकता है, शी वर नहीं होता है, आई वॉज नहीं होगा, तो बस यही इसका राइट आंसर होगा। या नहीं होगा आप मुझे बताओ, मैंने आपको हिंट दे दी है। सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से क्या होगा राइट आंसर बताओ। तुम लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे लगा लेना, मैं देख लूंगा, मुझे दिख जाता है। सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल से। और क्लास के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास कैसी लगी, इस तरह का सेशन, क्योंकि कल का टॉपिक वॉइस है। वॉइस भी हम ऐसे धड़ल्ले से करेंगे, अंधाधुंध आंसर देंगे। और एक क्वेश्चन देखो, अभी पूरी क्लास में लगभग लगभग 78 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं पूरी क्लास में, और जाते जाते हम 80 कर लेंगे। और अगर आप डेढ़ दो घंटे की क्लास में 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इससे ज्यादा और क्या ही लोग हैं इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में मेरिट, मेरिट से आए हैं भाई, अब उनको भी थोड़ी इज्जत देना भाई। चेक करो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तो आई एम नहीं होगा, शी वॉज हो सकता है, शी वर नहीं होता, आई वॉज नहीं होगा, क्योंकि डिसअपॉइंट वो हुई है, मैं नहीं। हम तो डिसअपॉइंट करते हैं, होते नहीं। सेकेंड है बिल्कुल करेक्ट। ओके यस प्रतिमा, जितना रेगुलर बेसिस पर आप देखोगे ना, उतना ही बेनिफिट होगा कोई भी एग्जाम हो। मेरा नंबर है 9045191919। बस बस ठीक है। ओह नो, मतलब नेगेटिव है यार, एक्सक्लेम्ड। अच्छा, वी हैव मिस्ड, तो आंसर में हैड होना चाहिए पहली बात। यहां पे हैव लिखा है, नहीं होगा, दे मिस्ड नहीं होगा, वी हैड मिस्ड, दे हैड मिस्ड, तो मिस किसने की है? वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, शी सेड, इसके हिसाब से बदलोगे तो शी के हिसाब से दे होना चाहिए, करेक्ट। शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, मैंने आपको हिंट दे दी है, बताओ फर्स्ट या फोर्थ। यस टीना गहलोत, कहां से हो आप टीना? आई हैव हैड अ बुक नेम्ड वर्ड पावर मेड इजी, शुड इट बी हेल्पफुल फॉर मी? दिलखुश, इट डिपेंड्स विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। मुझे वो पूरी बुक रटी हुई है, वर्ड पावर मेड इजी। यस, इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चेक करें, तो अब शी के हिसाब से भाई आप जानते हो, थर्ड पर्सन में बदलोगे इसको, शी के हिसाब से रहेगा ना, तो दे हैड होगा फोर्थ। और रिग्रेट ही कर रही है वहां पे, देखो ओ नो, काम खराब हो गया। ठीक है सर, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी एग्जाम बाई एग्जामपुर। जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, सेज लिखा हुआ है, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, आंसर दे देंगे फटाक से। सर आप एसपी बख्शी इज, सर एसपी बख्शी इज बेटर बुक फॉर एसएससी या योर क्लास इज सफिशियंट? प्रैक्टिस मेरी क्लास से कर लो, और जितना मैं बता रहा हूं उतना रिवाइज कर लो, उस किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पहले मेरे तक, मेरे नोट्स और मेरे सवालों से प्रैक्टिस कर लो, फिर उसको कर लेना, काम हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आप मुझे बताओगे कि भाई कैसी रही आप लोगों की क्लास, कितने क्वेश्चन बचे हैं? एक ही बचा है इसके बाद, यार क्या बात है, क्या टाइमिंग है, परफेक्ट। तो वी लुक केयर नहीं होता है, लुक केयर नहीं होता है, यहाँ पे टेक केयर लिखा है, तो बस बात तो वही रहेगी, फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा। सीजीएल टीयर टू में पूछा भाई, देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो एक बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से। माई सिस्टर इज परफॉर्मिंग, इसका हो जाएगा वॉज, ये आंसर मैं करूंगा, आप नहीं करोगे। यहाँ पे इस लिखा है, यहाँ पे इस लिखा, दो तो हट गए। रीता टोल्ड हर फ्रेंड दैट, किसने किसको बताया? रीता ने बताया।
तो यहाँ पे जो आएगा रीता के हिसाब से आएगा, माई सिस्टर थोड़ी ना है वो, रीता की सिस्टर है, तो सेकंड हो गया इसका राइट आंसर। मैंने आपको समय ही नहीं दिया बताने का, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। ठीक है, खत्म हो गई बात, क्लियर। चलो तो ये था आज का हमारा सेशन। फटाक से सारे लोग मुझे एक बार बताओ कि मजा आया कि नहीं। ठीक है, जो भी लोग नया नया ज्वाइन किए हैं अभी क्लास को यूट्यूब पर, वो लोग जान ले कि एसएससी स्टेनोग्राफर का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। कूपन कोड लगाओ SSC50, पाओ 50% का डिस्काउंट। फीस रहेगी सिर्फ 999 रुपए। बहुत सिंपल स्टेप्स आपको यूज करने हैं। प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो और कोर्स परचेज करो, पढ़ाई शुरू करो, खत्म। तो सारे लोग मुझे बताओ कि आज का टोटल स्कोर आपका कितना रहा, टोटल क्वेश्चंस कितने थे और व्हाट इज योर स्कोर। फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, अभी चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। कल भी ऐसे ही ताबड़तोड़ क्लास होगी वॉइस को लेकर के, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी टीचर्स डे। आई एक्चुअली विश कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मस्त जॉब लग जाए। लाइफ को जियो यार, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, तो मुझे बहुत मजा आया, ऐसे ही आपको भी मजा आया होगा मैं आशा करता हूँ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताना, मैं बाद में चेक जरूर करूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज रिक्वेस्ट मत करना। मैं अंडमान से हूँ अभिषेक, ओके अंडमान से हूँ, वेरी गुड। ठीक है चलो, तो जितने लोग कमेंट दे रहे हैं मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों का स्कोर ऑलमोस्ट 85% से 95% के बीच में है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक दो सेशन हम बाद में और रखेंगे नरेशन के ऊपर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम और क्लास भी करेंगे नरेशन पे। फिलहाल कल वॉइस की क्लास है, आप लोग जानते हो। आपको जैसी भी लगी हो, टीचर्स डे की विशेस भी अगर आपको करनी है तो कमेंट सेक्शन में आराम से करना, मैं बहुत आराम से पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप लोग कमेंट जरूर करना क्लास खत्म होने के बाद शाम को। ठीक है, कितने लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी, और जिसको भी विश करना है वहीं पे कर देना, और जो डाउट है वो जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल शाम को ठीक 5 बजे। क्या कुछ और क्वेश्चंस भी हैं? अरे अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हैं भाई, कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे किसी और दिन, होमवर्क दे दूंगा आपको। ठीक है चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फॉलो करते रहो हम लोगों को, और आप जानते हो कि चीजें बढ़ रही हैं आगे और अच्छे तरीके से। कितने लोग कमेंट करेंगे? सारे लोग, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।